सो हेलो रिवान गुड मॉर्निंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक एक बार कन्फर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज का लेक्चर जो है डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में बटा हुआ है चार फेजेज़ हैं यहाँ पे ठीक है वो फेज़ेस क्या क्या हैं अभी उस पर डिस्कशन करते हैं बट पहले ये बताइए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं चार फेजेस को फेज़ वन में आज पढ़ेंगे एज ऑफ अर्थ एंड शेप ऑफ अर्थ फेज़ टू में पढ़ेंगे एक्सिस एंड ऑबिट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फेज थ्री में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो कि आपके लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट से निकल के आता है एंड देन फेज थ्री में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड सीजन ऑफ अर्थ एंड फेज़ फोर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में इक्लिप्सिस के बारे में ठीक है आज के ही लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एकिपिप्स और इन सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी लगाएंगे वीडियो के लास्ट में और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें करवाने का मकसद क्या है पहले ताकि जब मैं आपको बताऊं जैसे कि हम लोग अगले वीक से इंडियन जोग्राफी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इंडिया का लाटिट्यूडल एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक है लॉन्गीट्यूडल एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक है तो आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि लाटिट्यूडल एक्सटेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब क्या उसका लैटिट्यूड क्या होता है लॉन्गीट्यूड क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है तो इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं सर आप प्री में मिल जाते काश हाँ काफ़ी लोगों का नहीं हो पाया क्लियर टीयर वन और वो लोग बोल रहे हैं कि सर जी की वजह से नहीं हो पाया हमारा काश आप पहले मिल गए होते टी ए वन के टाइम पर जो जिन लोगों को मिल गए ठीक है अब लोग उनमें से मैक्सिमम तो लोगों को क्लियर हो गया होगा बिकॉज ये तो मुझे पता है कि हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हंड्रेड लेकिन आज जी की वजह से तो नहीं रुका होगा जितना मैंने करवा दिया था उसके बेसिस पर और सभी ने अच्छा स्कोर किया जी में अभी तक मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाया हूँ अब इस क्लास के बाद देखता हूँ ठीक है अगर टाइम मिलता है तो किसका क्लियर हुआ किसका नहीं क्लियर हुआ बाकी यही है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ अब तुम में से काफ़ी लोग हैं जैसे देखो तुम में से काफ़ी लोग हैं। सर टीयर वन के टाइम पे पहले ही आप मिल गए होते उस टाइम पे मैं देखता था काफ़ी लोग बोलते थे शेयर मत करना कोई मतलब एक मुहिम चला रखी थी कि शेयर मत करना शेयर मत करना ठीक है फिर वही आप लोगों ने आप में से कुछ लोगों ने चला रखी है तो आप देखिए जब आप मतलब वही है ना कि बुरा करते हैं तो फिर बुरा ही होता है ना चलो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ मैं मतलब इन जनरल बता रहा हूँ जो बाकी लोगों की मैंटालिटी थी बस मैं इतना बता रहा हूँ कि आगे जिनका भी एग्जाम है अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास अटैम्प्ट हैं तो जो आपका अगला अटैम्प्ट है ठीक है मैं तो इतना ही बोलूँगा कि उसको एकदम फाइनल अटैम्प्ट मान के प्रिपरेशन करिए जब मेरे से कोई मोटिवेशन बोलता है कि सर मोटिवेट कर दीजिए तो मेरे तरफ से मोटिवेशन यही रहता है कि जो आपका अगला अटैम्प्ट है उसी को आप लास्ट अटैम्प्ट मान के प्रिपरेशन करिए ठीक है और वो आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छा जो फेल हो गए प्रस करें या नहीं आ, योगेश सिंह अगर आप सी पी ओ में बैठने वाले हैं तो बिल्कुल आपको करना है ठीक है नहीं हुआ प्रीति सिंह अच्छा प्रीति मिश्रा संगम चौधरी किस किस का नहीं हुआ ओके सर आपने ही कट ऑफ हाई करवाया है अच्छा आप क्या बढ़ाना बंद कर दें क्या सर आप फेमस हो रहे हैं और कट ऑफ बढ़ा रहे हैं सर कट ऑफ आपकी वजह से ही हुई है अच्छा ये मतलब क्या चला रखा आपकी वजह से कट ऑफ बड़ी है बड़ी बड़ी फिर क्या करें क्या कर सकते हैं पढ़ाना थोड़ी ना बंद कर देंगे खुद ही बताओ हो गया चलो बाकी बातें पीने बाद नहीं बाकी बातें लेक्चर के बाद कर लेंगे ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद है ना स्टार्ट करते हैं चलो ठीक कोई नहीं यार नहीं हुआ कोशिश करूँगा एक टेलीग्राम पे सेशन रखूँ आज वैसे तो मैंने कल पेड टेलीग्राम पे रखा था और जब मैंने रखा था उसी टाइम ही एक्चुअल में रिजल्ट आया मैंने नौ पच्चीस का था और नौ पच्चीस पर ही आई थिंक ऐसा कुछ रिज़ल्ट आपका पब्लिश हुआ था ठीक है तो बाकी आज जो मेन टेलीग्राम चैनल उस पर रखेंगे ठीक है परम आर एस सी पे तो जो लोग हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा अभी स्टार्ट करते हैं ठीक है धीराज यादव हिंदी मीडियम वाला वालों के बैच लाओ मतलब क्या हुआ ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो ये पृथ्वी की आयु लिखा हुआ है ना सारी चीज़ें अब कुछ इक्त उक्कत चीज़ें होती हूँ और थोड़ा सा मैनेज कर लो बाकी नोट्स तो प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी दोनों में आपको मिलते हैं चलिए तो फेज़ वन फेज़ टू और फ़ेज़ थ्री ये और फेज़ फोर इसमें पढ़ने वाले तो स्टार्ट करते हैं फेज़ वन सबसे पहले हम पढ़ेंगे एज ऑफ अर्थ तो हम एज ऑफ़ अर्थ निकालते कैसे हैं पृथ्वी की आयु निकालते कैसे हैं पृथ्वी की आयु निकालने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनमें कि एक टेक्निक है रेडियो एक्टिव डेटिंग डिफरेंट टाइप्स की डेटिंग होती हैं ठीक है थीके? वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं यहाँ पे हम डेटिंग ये जो यूज़ है रेडियो एक्टिव डेटिंग इसका यूज़ करते हैं अर्थ की एज निकालने के लिए ठीक है ये अर्थ हमारी कितनी पुरानी है उसके लिए हम यूरेनियम लेड डेटिंग यूज़ करते हैं पोटेशियम आगन मेथड, रूबीडियम स्टॉशियम मेथड, यूरेनियम थोरियम मेथड, रेडियो कार्बन डेटिंग क्लोरीन थर्टी सिक्स डेटिंग और कार्बन डेटिंग जिसमें कि सी आइसोटोप का यूज़ करते हैं लेटेस्ट रॉक की एज निकालने के लिए ठीक है तो डिफरेंट टाइप की वो है और इसको इन्वेंट किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कार्ब ये एज ऑफ अर्थ निकालने के लिए जो रेडियो एक्टिव डेटिंग रेडियो रेडियोधर्मी डेटिंग जिसको इन दिन बोलते हैं 1905 में ये किसने इन्वेंट किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बस इतना बेसिक सा चीज़ देखना है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है इसमें ठीक है एज ऑफ अर्थ नाउ कमिंग ऑन टू द शेप ऑफ अर्थ शेप ऑफ अर्थ पे आते हैं वॉट इफ आई इफ आई टेल यू दैट शेप ऑफ इथ अर्थ इज लाइक दिस अर्थ का हमारा ये शेप है अब आप बोलेंगे ऐसा शेप है हमने तो ऐसा देखा है आजकल आज तक ठीक है हमने तो ऐसा देखा है अच्छा ये बताओ अच्छा ये बताओ तुम लोग कि हम लोग पॉइंट ए में रहते हैं या फिर पॉइंट बी में रहते हैं बताओ जरा मतलब अर्थ में हम लोग कहाँ पे रहते हैं पॉइंट ए में या फिर पॉइंट बी में बताओ जरा तो यहाँ पे ये एक्चुअल में शेप होता है रीज़न क्या है अब रीज़न ये है कि आप तो ऐसे ही देखते हो एकदम स्मूथ सी लेकिन क्या हमारी अर्थ की सरफेस स्मूथ है नहीं है आपको कहीं हिमालय देखने को मिल रहे हैं बड़े 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 हिमालय जैसे आपको पर्वत देखने को मिल रहे हैं कहीं कहीं पे जैसे पैसिफिक ओशन में डीप ट्रेंचेस देखने को मिले गड्ढे देखने को मिल रहे हैं ठीक है यानी कि ट्रेंचेस आपको देखने को मिल रही कल हम लोग सारी चीज़ें जो हमारा हम लोग का कल का लेक्चर रहेगा वो अर्थ के इंटीरियर और जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स है उस पर बेस्ड रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ठीक है तो यहाँ पे काफ़ी हमें हाई पीक देखने को मिलेंगे काफ़ी गड्ढे देखने को मिलेंगे तो हमारी अर्थ की जो सर्फेस है इट इज़ नॉट स्मूथ हम करते हैं कि हम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हम मैथ्स में एवरेज सीखते हैं उसका हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं और जो चीज़ बढ़ी हुई है उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जो चीज़ घुसी हुई है उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं यानी इस तरह से हम एवरेज करके क्या करते हैं अपनी अर्थ का जो फिगर है उसको एकदम ऐसा बना देते हैं कि एकदम वो गोल अपीयर हो ठीक है और हाँ यहाँ पे हम लोग बी में रहते हैं अभी ये मैं मुझे पता है कुछ लोग को ये लगता है अभी तक कि अर्थ के हम लोग अंदर रहते हैं तो अंदर नहीं रहते हैं सरफेस पे रहते हैं ठीक है पहली बात क्लियर है हाँ हाँ जिय सब सबका आने लग गया है अमीबा लग रहा है हाँ अमीबा तो किसी भी शेप का हो सकता है ना अमीबा का तो कोई शेप नहीं अदरक की तरह कहीं से बढ़ जाता है ठीक है तो ये जो शेप है ये गोल गोल शेप है अब गोल गोल का मतलब क्या है गोल गोल तो ये भी है गोल गोल तो ये भी है क्या गोल गोल तो एक्चुअल में पूरी तरह भी गोल नहीं है हमारी अर्थ हमारी अर्थ का शेप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अब हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज शेप ऑफ अर्थ शेप ऑफ अर्थ जो है हमारा जियोइड शेप है जियोइड शेप ये कौन सा नया शेप है अब यहाँ पे क्या गोला बनाने का ऑप्शन है क्या देखते हैं ज़रा हैं हो तो होगा तो मुझे ये सब कम यूज़ करने आते हैं टूल्स इसके तो इसको रह नहीं देते नहीं तो पता चला ये भी गायब हो गया तो देखो इतना ऐसा नहीं होता हमारा अर्थ हमारा अर्थ ऐसा एकदम सर्कुलर नहीं होता है एकदम सर्कल की तरह की ये पॉइंट सेंटर लिया और इसके रेडियस और मतलब जो हम एवरेज भी ड्रॉ करते हैं ना तो एकदम सर्कुलर निक, निकल के नहीं आता है ना वो कुछ इलेप्टिकल तरह के निकल के आता है एलिप्टिकल आप समझते हैं दीर्घ व्रत टाइप का चलिए इलेप्टिकल भी आप भूल जाइए वो कुछ इस तरह का होता है जहाँ पर सेंटर पे तो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है थोड़ा एक्सटेंडेड रहता है और पोल्स पे ध्रुवों पे फ्लैट रहता है चपटा हुआ होता है उस पर्टिकुलर शेप को काफी सारे साइंटिस्ट ने बोला ये shape, वो shape, shape, सब लोग तो उन्होंने बोला सारा कुछ छोड़ो आज से इसका जियोग शेप। जियोग एक अपने आप में या फिर spheroid, अपने आप में एक शेप है ये आप रेड लाइन यहाँ पे देख पा रहे हो ये रेड लाइन ये एक्चुअल में अर्थ का शेप नहीं है ठीक है हमारी अर्थ के शेप में है अर्थ ये जो ब्लू कलर वाला देख पा रहे हो यह हमारी अर्थ का एक्चुअल शेप इसी को हम बोलते हैं जियोइड या फिर ऑबलेट फिरोइड जहां पे हमारी अर्थ बर्ल्स है सेंटर में फूली हुई है सेंटर में और टॉप्स यानी कि पोल्स पे फ्लैट है इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये बर्ल्स है सेंटर में और और पोल्स पे ये फ्लैट है उसका रीजन ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है जब हम अभी पढ़ेंगे इतना तो सबको पता होगा हम लोगों ने सोलर सिस्टम भी पढ़ा था कि हमारी याद घर 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 घूम रही है और जब घूम रही है तो होता क्या है और ये अर्थ क्या अर्थ सन कैर भी ऐसे ऐसे करके घर 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 करके घूम रही है तो जब घूमती है घर 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 करके तो दो तरह के फोर्स निकल के आते हैं एक तो जो सेंटर की ओर लगता है दैट इज़ कॉल्ड ए सेंट्री पीटल फोर्स अपकेंद्रीय बल और एक स्यूडो टाइप फोर्स का बल लगता है बाहर की तरफ दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स झूला झूले वो कभी वाला वो जो एकदम मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मेले में जो लगता है ठीक है मेले में जो नहीं वो झूला होता है तो उसमें एक फोर्स आपके जब आप घूम रहे हैं उसी तरह हमारी अर्थ भी सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो एक फ़ोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है वो एक स्यूडो फोर्स होता है ठीक है नहीं समझ मारा रट्टा मारो जिंदाबाद कि दो तरह के फोर्सेज होते हैं जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है एक अंदर की तरफ लगता है दैट इज़ कॉल्ड ए सेंट्री पीठल फोर्स अप केंद्रीय बल और जो दूसरा बाहर की तरफ लगता है काउंटर एक्टिव फोर्स होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अभिकेंद्रीय बल तो ये सेंट्रिफ्यूगल जो फोर्स है ना इसको बर्ल्ज कर देता है बाहर की ओर यहां पे ठीक है और क्योंकि ग्रेविटी लग रही है ग्रेविटी की वजह से यहां पे क्या होगा टुवर्ड्स टुअर्ड्स सेंटर ये जो है टॉप्स पे और बॉटम यानी कि पोल्स पे फ्लैट हो जाएंगे चपटे हो जाएंगे और इस वजह से इसका शेप कुछ इस तरह से निकल के आता है यहां पे फ्लैट और यहां पे बर्ल्ज इसको बोलते हैं जियोइड या फिर ऑबलेट स्पीरोइड इज दैट क्लियर आगे बढ़ते हैं नाउ रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं रेडियस क्या होती है त्रिज्या क्या होती है सेंटर से किसी भी पॉइंट पे जो कि सरकम फ्रेंस इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं आई थिंक इतना तो मैथ्स में सभी ने पढ़ा होगा सर्कम फ्रेंस बोलते हैं तो परिधि इसको बोलते हैं परिधि तो इसकी परिधि में कोई भी पॉइंट ले लेंगे ठीक है इसकी सरफेस पे कोई पॉइंट ले लेंगे सेंटर से दैट इज कॉल्ड एज उसका रेडियस उसकी त्रिज्या अब अगर हम बात करें दो तरह की यहाँ पे रेडियस निकल के आती हैं जब हम सर्कल की बात करते हैं सर्कल की एक किसका व्रत बोलते हैं ना हाँ व्रत तो व्रत की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रेडियस होती चाहे कहीं से भी पॉइंट कहीं पे उसके पॉइंट पे सरफेस पे खींच दो वो सेम ही निकल के आता है उसको रेडियस बोलते हैं बट यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे सेम नहीं होगा जब ये सेंटर लेंगे तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कम होगी ना यहाँ के यहाँ के कंपेरिजन में सिंपल तो वही है कि इक्वेटोरियल रेडियस ये वाली जो रेडियस है ये वाली जो रेडियस है जिसको मैं ग्रीन से ई लिख रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल रेडियस और ये होगी आपकी पोलर रेडियस यहाँ से यहां तक इक्वेटोरियल और यहां से यहां तक पोलर यानी इसको बोलेंगे ध्रुवीय सॉरी क्या बोलेंगे भूमध्य त्रिज्या और इसको बोलेंगे ध्रुवीय त्रिज्या ठीक है ये हम भूमध्य रेखा पे देख रहे हैं और ये है ध्रुव पे ध्रुवीय त्रिज्या तो जो इक्वेटोरियल रेडियस है जो भूमध्य रेखीय त्रिजा है वो 6378 किलोमीटर है और पोलर वाली 6357 किलोमीटर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कम है क्या सर रटना है थोड़ा देख लो ठीक है लास्ट के डिजिट इतना तो याद रख लो कि तिरसठ सौ कुछ है रेडियस अर्थ की अठहत्तर और सत्तावन याद कर लो सेवन एट और फाइव सेवन ठीक है मीन रेडियस इतनी निकल के आ जाती है यानी दोनों का जब मीन निकाल लेते हैं वैसे इक्वेटोरियल ज़्यादा पोलर से ना वट इज द रीजन वाई इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर दैन पोलर रेडियस क्यों है बिकॉज सिंपल सा आंसर है अर्थ इज वर्ल्ड एट द इक्वेटर एंड फ्लैट एट पोल्स क्लियर वही सेम चीज यहां पे आ जाएगी सरकंस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की परिधि सिंपल इक्वेटोरियल जो परिधि होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोलर परिधि पोलर जो सरकॉफरेंस है थोड़ा सा याद है क्यों वही अगेन वाई पोलर सरकंफ्रेंस इज़ लेस देन इको टोटल सेम वही आंसर होगा कि अर्थ हमारी बर्ल्ड है सेंटर पे एज कम्पेयर टू पोल्स पोल्स पे फ्लैट एंड है वो यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं पहले ये बताइए आप यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हैं किसी का अभी कोई को, को, कुछ डाउट तो नहीं है यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है फिर हम बढ़ते हैं अपने रोटेशन और रेवोल्यूशन की तरफ रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है क्लियर है ओके क्लियर ओके शिखांजलि और बड़ी 140 is still out ओके मन नहीं कर रहा देखने का फीलिंग वेरी साइड अब क्या कर सकते हैं चलो कोई नहीं चलिए तो अब यहाँ पे हम आते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन पे ठीक है ना व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रेवोल्यूशन उसको समझते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें ठीक है तो जो अभी आपने अभी देखा यहाँ पे ठीक है ये जो आप चीज़ देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इसको क्या बोलेंगे रोटेशन बोलेंगे रेवोल्यूशन बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन ठीक है इसको बोलेंगे क्या रोटेशन घूर्णन और अगर तुमको ये भी देख के समझ नहीं आ रहा है कि इसको रोटेशन बोलते हैं तो तुम हो हमारे एकदम देसी आदमी और देसी आदमियों के लिए हम लाते हैं देसी चीज़ें ठीक है देखो इसके बारे में चर्चा पहले भी कर चुका हूँ जैसे ये हो तुम ठीक है ये हो तुम अभी तुमको रोटेशन भी समझ में आएगा रेवोल्यूशन भी समझ में आएगा अब मुझे रोटेशन रेवोल्यूशन सेम एक साथ ही समझाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है ठीक है तो रोटेशन की अगर बात करें तो ये आप हैं ये क्या है ये आप हैं ठीक है आपका जो है एस में हो गया सिलेक्शन या फिर आपका अभी टीयर वन निकल गया आप खुशी के मारे एकदम घूमे जा रहे हो भरतनाट्यम टाइप वो ड्रेसा डांस नहीं होता तो जैसे कि वो घूमर घूमर करके वो नाचती दीपिका पादुकोन डांस में तो वो अपनी जगह में एकदम आप घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं लहंगा पहन के ठीक है फिर आपको देखा ओहो मैडम आ गई ठीक है मैडम आ गई है तो मैडम को आपको दिखाना है कि हमारा सीजल प्री क्लियर हो गया तो आप वहीं पर अपने पोजिशन पर नहीं नाच रहे हैं आप इनके चारों तरफ घूम घूम के नाच रहे हैं ताकि इनको भी पता चले कि हमारा सिलेक्शन हो ताकि इनको भी पता चले कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है तो ये जो आप अपनी जगह पे पोजीशन पे जो डांस कर रहे थे ना उसको रोटेशन बोलते हैं घूर्णन बोलते हैं और ये जो मैडम के अराउंड आप डांस कर रहे हैं दैट इज उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण उनकी परिक्रमा कर रहे हैं आप और इसको बोलेंगे रोटेशन अभी समझ आया रोटेशन रेवोल्यूशन क्या होता है आ गया होगा है ना अब यहाँ पे आते हैं रोटेशन रेवोल्यूशन को बताने से पहले अर्थ के शेप में ही कुछ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूंगा एंड दैट इज़ अर्थ का टिल्ट अर्थ का टिल्ट हमारी अर्थ टिल्टेड है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 23.4 थ्री डिग्रीज अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है अपनी अक्ष पे देखो जो एक्सिस होती है ना एक्सिस उसको बोलते हैं हिंदी में अक्ष और जो ऑर्बिट होती है उसको हम बोलते हैं कक्ष ऑर्बिट को हम बोलते हैं कक्ष ठीक है अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूंगे जैसे कि हमारी अर्थ है ठीक है इस तरह से इसकी एक्सिस है लेकिन एक्चुअल में हमारी अर्थ इस तरह से नहीं है अर्थ हमारी कुछ इस तरह से कुछ झुकी हुई है ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर सोलर सिस्टम में भी देखा था कि हमारी अर्थ कुछ इस तरह से टिल्टेड है अब कितनी टिल्टेड है तो यहां पे इस तरह से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो अपनी एक्सिस से 23 एंड अब पॉइंट डिग्री टिल्टेड है अपनी एक्सिस से साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को और अगर ये जिस प्लेन में जिस ऑर्बिट में जिस प्लेन के अराउंड ये घूमती है ये रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंड तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन उसके उसको क्या बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं और ये ऑर्बिटल प्लन से अगर पूछ ले कितनी टिल्टेड है तो आप खुद ही देखिए ये एंगल 90 डिग्री है ये 23 थ्री एंड हाफ डिग्री है तो ये कितना होगा 90 में आप 23 थ्री एंड हाफ को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 66.5 पॉइंट डिग्री तो एक्सिस पे 23.5 थ्री पॉइंट डिग्री और ऑर्बिटल प्लन से और सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री टिल्टेड है खैर वो चीज़ को वहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं ये चीज़ें आगे फिर अभी काम आएंगी हमारी जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई कि हमारी जो अर्थ है वो एक्सिस पे 23 थ्री एंड हाफ डिग्री टिल्टेड है अब हमारी अर्थ जो एक रोटेशन कंप्लीट करती है ना पूरा एक अपनी एक्सिस पे एक चक्कर ऐसे मार लेती है उसको हम बोलते हैं कि एक दिन हो पूरा हो गया एंड वेन आई से दिन डे तो उसमें ऐसा नहीं कि ये आ, सुबह छः बजे से लेके शाम छः बजे तक जो सूरज रहता है उसको दिन बोलते हैं दिन का मतलब है वो एक दिन और रात है ना इतना तो सभी को यो पता होगा जिसको हम रफली 24 घंटे बोलते हैं लेकिन अब आपको पता चलेगा कि जो हमारा एक रोटेशन होता है वो पूरे 24 घंटे नहीं लेती है हमारी अर्थ क्योंकि वो ऐसे तो राउंड फिगर्स में तो चलेगी नहीं तुम्हारे हिसाब से वो 23 थ्री एंड अ हाफ आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड ये एग्जैक्ट टाइम होता है जब हमारी अर्थ जिसमें एक रोटेशन पूरा करती है सो रोटेशन इज व्हाट स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस एक रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है 23 थ्री आवर्स फिफ्टी मिनट एंड 4 सेकंड लगता है डायरेक्शन आप जानते हैं वेस्ट टू ईस्ट होता है सारे प्लानट का एक्सेप्ट टू उन प्लानस का नाम आप बताएंगे जिनका ईस्ट टू वेस्ट दैट इज क्लॉक डायरेक्शन में रोटेशन होता है रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम होती है इक्वेटर पर मिनिमम होती पोल्स पर यह चीज़ है जिसको मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि क्या होता है रोटेशनल स्पीड ये आप समझ गए और कौन सा प्लानिट है जिसकी कि फास्टेस्ट रोटेशनल स्पीड है कमेंट में आप बताइए जल्दी से पहले तभी मैं आपके आगे इसके आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहली बात तो जो ईस्ट टू वेस्ट हमारे घूमते हैं जो प्लानट हैं उनके में क्या लगी हुई नस लगी हुई है वी नस और यूरानस फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड है जुपिटर की हम रो यानी कि हमारी अर्थ रोटेशन कंप्लीट करती है ट्वेंटी थ्री आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट में और जुपिटर का सोलह घंटे में ही सब काम ख़त्म हो जाता है अब कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा मुझे पता है मरकरी यानी बुद्ध मरकरी की फास्टेस्ट रेवोल्यूशन स्पीड है यानी अर्थ जो जो मरकरी है वो सन के अराउंड चक्कर बड़े जल्दी से लगा लेती है ठीक है अट्ठासी दिन में लेकिन यहाँ बात हो रही रोटेशन स्पीड की यानी कि अपनी एक्सिस पे वो कितनी जल्दी घूम जाता है तो जुपिटर सबसे तेज़ घूमता है अब यहां पे इस डाउट को मैं कैटर करता हूं कि रोटेशन स्पीड मैक्सिमम है इक्वेटर पे मिनिमम है पोल्स पे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझते हैं पहले ठीक है तो यहां पे इसका मतलब ऐसे समझिए देखो आ, ऐसे मतलब समझाऊ मैं आपको आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा है फॉर्मुला सबको ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि जो गति है बराबर दूरी अपॉन समय तो आप मुझे बताइए कि अगर डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा है डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होनी पड़ेगी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो ऐसे समझो कि मान लेते हैं ये तुम हो ये तुम हो ठीक है ये तुम हो और मान लेते हैं कि तुमको एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है अपने मान लो तुम्हारे घर है ये तुम्हारा घर है ठीक है तुम्हारे घर से ये एक पॉइंट है तुम्हारा Uh, मान लेते हैं कि चलो तुम्हारा मान लेते हैं ये स्कूल है ठीक है ये तुम्हारा स्कूल है कितने डिस्टेंस पे है मान लेते हैं कि ये आपका फोर्टी किलोमीटर डिस्टेंस पे ठीक है ठीके? वहीं दूसरा साइड है आपका मान लेते हैं कि आपके एग्जाम्पल्स <laughs> तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन चलो कोई नहीं फोर्टी किलोमीटर्स और ये है दूसरा मान लेते हैं फिफ्टी किलोमीटर्स ठीक है km, मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ये मान लेते हैं कोई भी पोजीशन आपके फ्रेंड का हाउस है ये ठीक है आपके फ्रेंड का हाउस है ठीक है तो अब मान लेते हैं कि मैं आपसे बोलता हूं कि आपको दोनों जगहों पे स्कूल और फ्रेंड के घर पे सेम टाइम पे पहुंचना है सेम टाइम पे पहुँचना है मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि चलो भागना चालू करो फिर जाओ अपने स्कूल तक ठीक है और जितने टाइम वहाँ पर पहुंचोगे उतना ही टाइम पर तुम्हें अपने फ्रेंड के पास पहुंचना होगा जितना टाइम लगता है तो ऑब्वियस ये बात है सेकेंड केस में मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा अगर मैं उस, उसी स्पीड से भागूंगा जिस स्पीड से स्कूल गया था तो मैं नहीं फ्रेंड के पास पहुँचाऊंगा बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा तो मेरे को स्पीड भी ज़्यादा करनी पड़ेगी जब हमारी अर्थ घूमती है ना तो जब घूमती है तो आपको पता है कि इक्वेटर में आपका ज़्यादा डिस्टेंस है इक्वटोरियल सरकमफ्रेंस ज़्यादा है पोलर सरकमफ्रेंस कम है इसलिए क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करना है दैट इज़ वाई जो हमारी इक्वेटोरियल स्पीड होगी वो या फिर इक्वेटर पे मैक्सम जो जो रोटेशनल स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू पोल्स पे जो होगी राइट अभी आते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे तो रेवोल्यूशन आप समझ गए कि जो सन के अराउंड जो हमारी अर्थ घूमती है उसको हम रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण बोलते हैं ठीक है रिवॉल्विंग अराउंड सन इन इलिप्टिकल दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट ऑर्बिट क्या है केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ऑर्बिट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं रेवोल्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो करते हैं तो ऑर्बिट का मतलब होता है पाथ यानी कि रास्ता ठीक है और ये जो रास्ता है जिसके जिसमें कि जो हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है ये जो हमारा रास्ता है ये इलिप्टिकल है ये कैसा इलिप्टिकल यानी कि दीर्घ व्रत्ताकार है जो आपने इलिप्स पढ़ा होगा क्लास इलेवन ट्वेल्थ में तो आपने पढ़ा होगा ये मेजर एक्सिस होता है ये माइनर एक्सिस होता है ऐसे करके राइट वन रेवोल्यूशन की अगर बात करें एक रेवोल्यूशन थ्री डेज फाइव सिक्स आवर्स नाइन मिनट्स में कंप्लीट करता है हमारा अर्थ और ऑर्बिटल स्पीड अगर बात करें कितनी है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड हमारी अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड है मैक्सिमम अभी मैंने बताया ऑर्बिटल स्पीड किसकी है मरकरी किस की और मिनिमम किसकी है मिनिमम है नेपच्यून की क्लियर ये आप समझ समझिए कि ऑर्बिट किस तरह का है अब मैं मैंने रेवोल्यूशन और टिल्ट पढ़ा क्यों अब आपको पता चलेगा कि रेवोल्यूशन और टिल्ट मैंने क्यों पढ़ाया आपको जब हम अभी चलो वो सारी चीज़ें देखने से पहले कुछ और बेसिक आ, से चीज़ें देख लेते हैं जैसे कि जब हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड ऐसे इलिप्टिकल दीघ वृत्ताकार ऑर्बिट में पथ में घूमता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सबसे नज़दीक होता है सबसे नज़दीक होता है ठीक है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होता है जब हमारा अगेन रिपीट जब हमारी अर्थ क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल है ऑर्बिट क्योंकि इलिप्टिकल है तो ऐसा पॉइंट आता है एक जब हमारी अर्थ सूरज के सबसे नज़दीक होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होती है तो जब सबसे नजदीक होती उसको है उसको पेरी बोलते हैं यानी कि उपसौर बोलते हैं हिंदी में ठीक है और जब सबसे दूर होता है तो उसको हम बोलते हैं अपसौर यानी कि जब सबसे नियरेस्ट तो पेरी हिलियन उपसौर और जब सबसे दूर तो यानी अपियन अपसौर याद कैसे रखेंगे पी से पेरी पी से पास पी से पेरी हिलियन और पी से पास दूसरा वाला अपने आप दूर हो गया ये नियरेस्ट जब हमारी अर्थ सन के नियरेस्ट होती है तो वो डेट होती है कैलेंडर में थर्ड जनवरी की और जब फार्देस्ट होता है तो डेट होती है फोर्थ जुलाई की बट स्पेसिफिकली जरूरी नहीं कि फोर्थ जुलाई कभी कभी हो सकता है थर्ड जुलाई को या फिर फिफ्थ जुलाई को भी हो जाए बट रफली ऑप्शन में कोई चांस ही नहीं है कि वो ऐसे देगा तीन जुलाई चार जुलाई पाँच जुलाई इसे ऑप्शन में मिलेंगे ही नहीं ठीक है अगर इसके बारे में पूछेगा तो पेरी इिलियन की डिस्टेंस तकरीबन आप ऐसे आ सकते हो 1475 ऐसे करके और इसके 1525 करके ठीक है क्लियर हैं यहाँ तक सभी को कि पेरीहिलियन और एपीहिलियन क्या होता है इसी तरह इसी तरह आपको कभी कभी ऑप्शन मतलब कभी कभी हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट ये मतलब देखने को मिले ये जो वर्ड्स हैं पेरीजी एंड एपोजी पेरीजी और एपोजी पेरीजी एपोजी क्या होते हैं ये हम यूज करते हैं मून के टर्म्स में मून के सेंस में मतलब मतलब ये है कि अभी मैंने बताया कि सूरज जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के राउंड चक्कर काट रही है तो एक दो एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे नज़दीक होती है पैरी और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होती है एपी ठीक हमारा मून भी तो हमारी अर्थ के अराउंड ऐसे वो कर रहा है ठीक है जैसे कि मान लेते हैं हमारी अर्थ है ठीक है अर्थ है तो ऐसे करके यहाँ पे कहीं मून को इमेजिन कर लो मून भी तो ऐसे अर्थ के अराउंड घूम रहा है तभी तो वो नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ की क्लियर तो ऐसे ही जब एक पॉइंट आता है कि जो अर्थ और जो मून है वो हमारी अर्थ के सबसे नज़दीक होता है तो पेरी जी और सबसे दूर होता है तो अपॉ जी कन्फ्यूज़ कैसे नहीं होंगे कि हीलियन वाला सन और अर्थ का रिलेशन दिखाता है और जी वाला मून और आ, अर्थ का रिलेशन दिखाता है मून चंदा चंदा मामा हम बोलते हैं ना चंदा मामा दूर के है ना ऐसे करके स्टोरी आपने सुनी होगी तो चंदा मामा मामा को हम रिस्पेक्ट देंगे और जी लगाएंगे मामा जी मामा जी ऐसे बोलेंगे ठीक है तो पेरी जी पहुँच जी इसकी डेट मत पूछिएगा क्यों क्योंकि ये इसकी कोई एक फिक्स डेट नहीं है ऑलमोस्ट बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता रहता तो इसकी कोई एक फिक्स डेट नहीं है जैसे कि इसकी पेरी और एपी की है क्लियर है यहाँ तक डेट आपको याद रखनी है अब मुझे पता है कि कुछ लोगों के या फिर बहुत लोगों के मन में डाउट आएगा कि जब हमारी अर्थ सबसे पास होती है तीन जनवरी को तो सर्दी क्यों पड़ती है इतनी और चार जन जुलाई को गर्मी क्यों पड़ती है जब सबसे दूर होता है होना तो उल्टा चाहिए तो अब मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अर्थ का मतलब इंडिया नहीं होता है कैसे वो समझिए अर्थ का मतलब इंडिया कैसे नहीं होता अब यहाँ पे इन्होंने इंक्लिनेशन की बात कही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन दो तरह के एक तो एक्जियल इंक्लिनेशन और दूसरा ऑर्बिटल इंक्लिनेशन हम पूरा देख चुके हैं कि जो हमारी अर्थ का जो ये एक्सिस है वो टिल्टेड है अब कुछ लोगों का डाउट आ सकता है सर टिल्टेड क्यों है सीधी क्यों नहीं है उसका आंसर ये कि हनुमान जी एक दिन आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा झुका दिया ठीक है इसे झुका दिया मतलब इसके पीछे कोई ऐसा फिक्स थ्योरी नहीं है ठीक है हनुमान जी वाली थ्योरी तो आपको जैसे सुनने को मिली होगी बचपन में बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब जो 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 हैं कि कोई एस्टेरॉयड हिट हुआ होगा इम्पैक्ट किया होगा जिसकी वजह से इसका जो एक्सिस है वो टिल्टेड हो गया एक्सिस पे मतलब एक्सियल टिल्ट कितना है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री अब क्योंकि टोटल नाइन्टी डिग्री है तो 90 में 23 ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री घटाएंगे तो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री आपको देखने को मिलेगा तो एक्सियल इंक्लिनेशन इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री एंड ऑबिटल इंक्लिनेशन इज सिक्स सिक्स एंड हाफ डिग्री इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी थी एंड दैट इज़ कि एक रेवोल्यूशन तीन दिन छः घंटे नौ मिनट और नौ सेकंड में हमारी अर्थ पूरा करती है ये जो छः घंटे का आप टाइम एक्स्ट्रा देख पा रहे हैं नौ मिनट और नौ सेकंड को आप नेगेट कर दीजिए तो जो छः घंटे हैं यही चार साल में बन जाते हैं चौबीस घंटे और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल आता है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट या फिर उसी को बोलते हैं लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट जहाँ पर हर चार साल बाद जो टाइम हो जाता है वो तीन दिन का एक साल हो जाता है क्यों वो एक एक्स्ट्रा डे कहाँ से आया बिकॉज सिक्स आवर्स हर साल जुड़ेगा चार साल तक तो थ्री सिक्सटी सिक्स डेज हो जाएगा इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है दीर्घताकार होता है यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं पहले ये बताइए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं हेमिसफियर वगैरह पढ़ते हैं ठीक or है एक्जियल टेल ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री और ऑर्बिटल हमारा इंक्लेशन कितना है सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री ओके

क्वल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट ऊपर का और इनको बोल देते हैं गोलार्ध ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिसफेयर नीचे वाला हो जाएगा सदर्न हेमिसफेयर ठीक है ऐसे ही ऐसे बीच में एक लाइन खींच दे बीच में अब ये तो भाई देखो सिंपल सी बात है हमारी अर्थ इस तरह से है थोड़ी सी स्फ टाइप की जॉइट शेप है उसका तो बीच में लाइन तो खींचना बहुत आसान की है बीच वाली लाइन अब यहाँ पे हम कौन सी लाइन खींचे कोई भी लाइन बीच वाली हो सकती है ना खुद इमेजिन करो मैंने तुम्हें बोला मैंने तुम्हें क्या बोला मैंने तुम्हें बोला कि एक सेव लो बेटा सेव को एकदम बीच से काटो बीच से मतलब ऐसे तो तुम बीच से एकदम काट दोगे तो ठीक है मैंने कहा चाकू बेटा ऊपर से गुजरना चाहिए बीच से नहीं ऊपर से गुजारो और तब एक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो उसको तो मैं किसी भी एंगल से चाकू मार सकता हूँ ना एकदम या तो खड़ा चाकू मार दो या फिर ऐसे ऐसे किसी भी एंगल से मारूंगा तो अगर वो सेंटर से पास होगा चाकू तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना तो अभी हम देखेंगे वही सेम चीज़ लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगे कि हमने एक रेफरेंस लाइन मान ली क्योंकि ये लाइन तो कॉमन होगी सबके लिए कोई दिक्कत नहीं भाई बीच से ही लाइन जाएगी ये लाइन तो कोई भी लाइन हो सकती है लेकिन इस लाइन को वो क्योंकि ग्रीन विच मेरेडियन वाली हमने लाइन लिया जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते भूल जाओ ग्राइंड ग्रीन विच मेरेडियन प्राइम क्या होते हैं अभी के लिए इतना समझो कि ठीक है हमने एक बीच से लाइन खींची थी तो जो वेस्टर्न साइड वाला पार्ट है उसको वेस्टर्न हेमोस्फेयर बोल देंगे पश्चिम भाग वाला और जो पूर्वी भाग है उसको ईस्टर्न हेमेस्फेयर बोल देंगे ठीक है हमारा इंडिया जरा बता दीजिए कौन से हमेस्फेयर में लाई करता है कौन से हमेस्फेयर में तो इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ इंटू टू पार्ट इक्वेटर डिवाइड्स अभी इक्वेटर क्या अभी हम पढ़ेंगे अभी तक हमने नहीं पढ़ा है ठीक है चलिए मैं अभी के लिए इसको होल्ड पे रखता हूं अभी इंडिया हमारा कौन से हेमेस्फेयर में नॉर्दर्न और ईस्टर्न यानी नॉर्थ ईस्टर्न हमेस्फेयर में हमारा इंडिया पड़ता है ठीक अब आते हैं लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट तभी आपको इक्वेटर प्राइम रेडियन इंटरनेशनल डेट लाइन तब समझ में आएगा है क्या ये लैटीट्यूड का मतलब हिंदी में अच्छांश होता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो लाइंस आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पे देखने को मिलती हैं कभी आपने देखी है रियल लाइफ में कोई है यहाँ पे जिसने की लॉन्गीट्यूड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को रियल लाइफ में देखा हो ये देखो देखो लॉन्गिट्यूड जा रही है देखो देखो, देखो, देखो लैटिट्यूड जा रहा है देखा किसी ने नहीं देखा है दैट मीन दीज आर योर इमेजिनरी लाइन्स काल्पनिक रेखाएं जैसे आप बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करते हैं कल्पना करके सोते हैं कल्पना करके उठते हैं कल्पनाओं में पूरा काफ़ी लोग तो जीवन अपना गुजार देते हैं तो वो सब क्या होता है इमेजिनेशन होता है ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी जस्ट इमेजिनरी लाइन से कहीं पे आपको एक्चुअल में देखने को नहीं मिलेगी तो सर हम इमेजिन क्यों करते हैं इनको इमेजिन इसलिए करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ मैंने बोला तुमने मुझसे पूछा सर हमें आपका फेस देखना है कहाँ पे आ जाए बताइए तुमने कहा यहीं पर आ जाओ तुम कहो मतलब सर यहाँ पर कहाँ पर थोड़ा बताइए रेफरेंस पॉइंट दीजिए कहाँ पर आ जाएँ तो फिर मैं तुम्हें बोलूँगा कि बेटा यहाँ पे आओ एक मजनू का टीला नामक जगह है वहां पे एक बेरी का पेड़ है वहीं पीछे भी तो और हाँ अमावस्या के दिन अमावस्या <laughs> और पूर्णिमा क्या होती है वो भी अभी हम देखेंगे ठीक है तो वो मैंने क्यों बोला रेफरेंस दिया आपको इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ इंडिया कहाँ लाई कर रहा है या फिर कैनेडा कहाँ लाई कर रहा है ठीक है तो वो सारी चीजें हमें कब पता चलेंगी या फिर हम कब बता पाएंगे जब हमें हम बोलेंगे कि हाँ इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड में आ जाओ लेटीट्यूड हमारी लेटी हुई लाइंस होती हैं लेटी हुई लाइंस होती हैं उनको लेटिट्यूड बोलते हैं अच्छांश बोलते हैं हिंदी में उनको ठीक है और जो वर्ट इनको क्या बोलेंगे लेटी हुई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस इंग्लिश वैसे टेक्निकली स्पीकिंग हरीजॉन्टल लाइन्स है ऐसी हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं ऐसी हमारी क्या होती हैं वर्टिकल लाइंस होती हैं क्षैतिज आई थिंक हिंदी में बोलते हैं आ, पता नहीं ठीक है तो इसको लॉन्गीट्यूड देशांतर बोलते हैं हिंदी में ठीक है तो अब मैंने बोल दिया कि ये मान लेते हैं कि ये बीस डिग्री का नौ बीस डिग्री वाला लेटीट्यूड है ठीक है और ये जो है ये मान लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ कि 20 डिग्री वेस्ट वाला ये लॉन्गिट्यूड है तो यहाँ पे 20 डिग्री वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले लैटीट्यूड पे आ जाना और 20 डिग्री वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड लौंग, पे आ जाना तो यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ यानी यहाँ पे आ जाना तो लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बहुत यूजर्स हैं एक यूज़ तो यही है कि भाई हम उसे एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन प्लेस की बता पाते हैं जो आपके जीपीएस वगैरह काम करते हैं ग्लोबल पोजिशन पोजिशनिंग सिस्टम वगैरह ये सब इसी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट ही काम करते हैं ठीक है तो अभी आते हैं लैटीट्यूड पे तो लैटिट्यूड क्या इमेजिनरी हरीजॉन्टल लाइन है लेटी हुई लाइन है जो रेड रेड कलर की आप देख पा रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट रन करती है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर अब ये मतलब समझिए हम देखो आपने सुना होगा इतना तो सभी ने आई थिंक सुना होगा कि लैटीट्यूड को डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं लॉन्गीट्यूड को भी डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं डिग्री कैसे बता देते क्या होता है डिग्री डिग्री क्या होता है मतलब कहाँ से डिग्री आ गया ये कि भाई ये साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं ये जीरो डिग्री है साढ़े तेईस डिग्री डिग्री कहाँ से आ गया ये डिग्री तुमने वो देखा है तुमने आ, हु, हु. तुमने वो देखा है एक कंप क्या बोलते थे इसको प्रोटेक्टर बोलते थे ना <laughs> काफ़ी समय हो गया ना जिसको प्रोटेक्टर बोलते थे ना वो ज्योमेट्री का बॉक्स होता था जिसको तुम कभी खोलते नहीं थे याद करो जिसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते थे खेलने के लिए बस तुम उसको यूज़ करते थे तो इसको हिंदी में चांदा बोला जाता है ठीक है इस तरह से उसमें होता था याद आया कुछ याद आया कुछ कुछ पुरानी यादें याद आ रही हैं कंपास होता था उससे तुम अपने दोस्त के साथ कुछ हरकतें करते थे जब वो खड़ा होता था तो <laughs> चलो डीप में नहीं जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये आप कंपास का यूज करते थे तो हमने क्या किया ये अर्थ को लिया और कंपास को ऐसे रख दिया एक बड़ा सा कंपास लिया और ऐसे रख दिया ठीक है कंपास को रख दिया ठीक अब वो सेंटर से इस वाली लाइन से इक्वेटर से कितना एंगल बना रहा है बस उसी को बोल दिया वो लैटिट्यूड ला, ला, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऐसे ही उल्टा कंपास भी रख सकते हो मतलब सदर असर में तो ये मान लेते हैं ये आपका डिग्री आपने देख लिया तीस डिग्री तो हमने बोल दिया तीस डिग्री है तो एक्चुअल में इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस तो हम डिग्रीज में उसको एक्सप्रेस करते हैं कभी कभी ये लिख किया जाए कि लेटिट्यूड इज़ अब पोजिशन ऑफ अ प्लेस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी अर्थ तो वो भी सही होगा एक्चुअली में वो सारी चीज़ें हम सेंटर से मापते हैं वो अर्थ को खोल के हमें दिखा नहीं सकता हूँ आपको तो बस अभी के लिए इतना ही समझ लो ठीक है इट इज़ दी एंगुलर ये ऑफिशियल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं लैटीट्यूड की एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर एक डिग्री लैटीट्यूड एक एक सौ ग्यारह किलोमीटर का होता है मतलब मतलब ये हुआ और टोटल लैटीट्यूड एक सौ इक्यासी है अभी ये कॉन्सेप्ट समझो क्या है ये ये हमारी अर्थ है ठीक है इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे करके इक्वेटर हैं ये होता है जीरो डिग्री इक्वेटर ठीक है इसको जीरो डिग्री बोल दिया बिकॉज यहीं पे कंपास वो प्रोटेक्टर रखा है ठीक है देन आपका ये वन डिग्री ऐसे करके इक्वेटर होगा ठीक है ये वन डिग्री होगा देन ऐसे आपका टू डिग्री होगा थ्री डिग्री होगा फोर डिग्री होगा फाइव से एट सेवन एट से करके करके कहाँ तक जाएगा नाइन्टी डिग्री तक जाएगा ऐसे नीचे भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एन करके कहाँ तक जाएगा नाइन्टी तक जाएगा तो इसमें और उसमें अंतर क्या होगा ऊपर और नीचे वाले में हमारे भैया नॉर्थ हेमसफेयर में तो नॉर्थ एन लिख देंगे ये साउथ हेमेस्फेयर में तो सदर्न एस लिख देंगे ऐसे ये वन डिग्री ऊपर है वन डिग्री नीचे भी है वन डिग्री नॉर्दर्न वाला वन डिग्री तो वन डिग्री नॉर्थ लिखेंगे सदर्न हेमस्फेयर वाला वन डिग्री तो वन डिग्री साउथ लिखेंगे क्लियर है अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि हर लैटीट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर की डिस्टेंस है मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि यह जीरो डिग्री वन डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर है वन डिग्री टू डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर टू डिग्री थ्री डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर दैट किलोमीटर कि मीस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बदलती नहीं है हर लैटीट्यू के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम रहती है यह केस ये चीज लॉन्गिट्यूड के, के केस में नहीं होती है अभी हम आगे देखेंगे लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि हर लैटीट्यूड के बीच में यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज सेम हर अच्छाश के बीच में जो दूरी है वो समान है वो कितनी है 111 किलोमीटर है 111 किलोमीटर किलोमीटर्स और टोटल अच्छांशों की संख्या एक है ये कैसे पता चला हमें एक सौ इक्यासी है भैया जीरो डिग्री वाला है ना बीच का ये बीच का जीरो डिग्री है ऊपर कितने हैं ऊपर कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः कहाँ तक गए थे नब्बे तक नब्बे हो गए नीचे कहाँ तक ऐसे ही नीचे भी नब्बे तक है तो नब्बे नब्बे को जोड़ दो एक हो गए तो सर एक वाला कहाँ से आ गया यहाँ तो एक लगा है तो एक वाला ये ज़ीरो डिग्री है जब आप वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री ऐसे करके जोड़े थे 90 तक गए थे तो आपने 90 हो गए ये नीचे भी गए 90 तक हो गए लेकिन आपने जीरो डिग्री को तो ऐड ही नहीं किया ना आपने एक से चालू किया था ना एक दो तीन तब नब्बे हुए फिर नीचे एक से चालू किया आप जीरो को भूल गए तो ये भी ये तो एक लैटीट्यूड है ये हो गया आपका एक सौ इक्यासी अब कहीं पे अगर तुम्हें ये देखने को मिल जाए कि नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल्स कितने होते हैं सर्कल एक्चुअल में ये सर्कल ही तो है लाइन तो नहीं बोलना चाहिए वैसे सर्कल बोलना चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर ये एक थ्री फिगर है ना अर्थ तो हमारी थ्री है ना तो पीछे भी तो गया होगा ऐसे ये ऐसे करके तो ये लैटिट्यूडनल सर्कल्स होते हैं ठीक है इनको हम सिनोनिमसली uh, लाइन भी बोल देते हैं बट ये ऐसे करके पीछे भी तो क्या होगा ऐसे घूम के तो सर्कल हुआ ना एक पूरा व्रत हुआ ना तो ये आई सर्कल, सर्कल है ये सर्कल है ये सर्कल है ऐसे करके देखो अब मैं बोलता हूँ तुमसे कि जो नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल है वो वन है कैसे जैसे ये एक सर्कल हुआ जीरो डिग्री वन डिग्री वाला सर्कल ऐसे ऐसे करके ठीक है देखो घट रहा है ये और घट रहा और घट रहा और घट रहा नाइन्टी डिग्री जो नॉर्थ वाला है लैटिट्यूड वो एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाता है सर्कल नहीं रहता है ऐसे ये सदर्न हेमेस्वेर वाला ऐसे 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 जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ वाला पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगा यानी ये दोनों पॉइंट्स हैं की सर्कल इस वजह से अगर हम एक में दो घटा देंगे तो एक दैट इज वन आ जाएगा और 179 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल होते हैं वैसे ये कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है ज्यादातर ठीक कभी कभी तो मतलब पहले ज़्यादा पूछता था अभी तो रिसेंट में देखने को नहीं मिला है कि सर्कल पूछ ले ऐसे करके ठीक है बट फिर भी आपको पता है कि क्या है ठीक है अब आते हैं लेटिट्यूड कौन से थोड़े इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को देख लेते हैं महत्वपूर्ण तो जो हमारे अच्छाश है एक तो जीरो डिग्री वाला इक्वेटर अब महत्वपूर्ण तो क्यों है क्योंकि भाई बीचों बीच से गुजर रहा है तो कुछ तो इंपॉर्टेंस रखो यार उसकी साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ तो साढ़े तेईस डिग्री साउथ साढ़े छः छः डिग्री नौ तो साढ़े छः डिग्री साउथ ये सा क्यों इंपॉर्टेंट है चलो भाई वैसे तो समझ में आता था कि हाँ ठीक है बीस डिग्री तीस डिग्री पचास डिग्री ये साढ़े तेईस में ऐसा क्या खास है साढ़े तेईस डिग्री साउथ में ऐसा क्या खास है बहुत कुछ खास है देखो अभी जब हम अभी पढ़ेंगे सीजनस के बारे में रेवोल्यूशन के बारे में तो वहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा सूरज होता है सूरज कभी साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अक्षांश के ऊपर नहीं जाता है सूरज की किरणें चली जाएंगी ऐसे तिरछी ठीक है अब जैसे कि यहाँ पे मैंने किसी जगह पे टॉर्च मारी ठीक है तो कुछ लाइट इधर उधर भी तो जाती है तो मैंने टॉर्च तो इधर पे मारी ठीक है तो मेन जो लाइट है वो यहाँ पे जा रही है बाकी थोड़ा बहुत उधर पड़ रहा है यानी कि सूरज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कभी नहीं जाता इसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं ठीक है कर्क रेखा बोलते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं इसके कभी नीचे नहीं जाता है इसके कभी नीचे नहीं जाता है और इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे दबा के गर्मी पड़ती है एकदम चिलचिला के गर्मी पड़ती है इसी वजह से इसको बोलते हैं टॉरिड जोन ऊष्ट कटिबंध दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरें जो अंतर होता है जो स्पेस होता है उसको कटिबंध बोलते हैं तो इसको बोलते हैं ऊष्ट कटिबंध क्लियर हो गया यहाँ तक क्यों इम्पोर्टेंट है ये ये क्यों इंपॉर्टेंट है साढ़े छा डिग्री नॉर्थ जिसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं आर्कटिक सर्कल बोलते हैं और साढ़े छः डिग्री साउथ जिसको अंटार्कटिक सर्कल अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं वाई दीज आर इंपॉर्टेंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये इसके बियॉन्ड और इसके बियॉन्ड ये जो फ्रिजिड जोन जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ छः महीने दिन और छ महीने रात पड़ती है यानी छः महीने तक सूरज की किरण तक देखने को नहीं मिलती है ऐसा होता है और छः महीने तक पूरी हमेशा सूरज की किरण देखने को मिलती है अभी क्यों होते हैं चीज़ें अभी देखेंगे आगे तो इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन इसको भी बोलते हैं फ्रिजिड जोन ठीक है मैं फिर से ड्रा करता हूँ जैसे ये हमारी अर्थ है ये इक्वेटर है टॉपिक ऑफ़ कैंसर है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये वाला रीज़न क्या हो गया क्या हो गया ये टॉरिड जोन ये साढ़े छः डिग्री नॉर्थ ये साढ़े छः डिग्री साउथ अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू ब्लू से ये है टेम्परेट ये भी है टेम्परेट ये नॉर्थ टेम्परेट हो गया साउथ टेम्परेट हो गया अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे पर्पल से ये हो गया फ्रिजड जोन ये हो गया फ्रिजिड जोन जोन समझ गए सभी लोग कि टॉरिड किसको बोलते हैं टेम्परेट किसको बोलते हैं और फ्रिज किसको बोलते हैं बहुत दबा के गर्मी ठंडक बहुत ही जोर की ठंडक ठीक लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होता है सबसे बड़ा कौन सा होगा सबसे बीच में होगा क्यों क्योंकि लैटीट्यूड सर्कल होते हैं सर्कल होते हैं और हमारी सेंटर पे अर्थ बल्ज फूली हुई है तो ही बात है सेंटर पे ही सबसे बड़ा होगा जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको तुमको एक बॉल दिया मैंने ठीक है मैंने बोला कि इसमें सबसे लंबा थ्रेड बांधो तो तुम सेंटर पे ही बांधोगे ना ठीक है सेंटर पे ही क्यों क्योंकि सेंटर पर वो फूली हुई है क्या हमारी अर्थ ठीक है बल्जड है तो ये वाला जो लैटीट्यूड होगा इक्वेटर पर वो सबसे बड़ा होगा और स्मॉलेस्ट कौन से होंगे स्मॉलेस्ट हमारा ये होगा जो पॉइंट फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है नाइन्टी डिग्री नॉर्थ और नाइन्टी डिग्री साउथ यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है ये बताओ अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछो तो ये वाराणसी से हम हैं स्पेस स्टेशन फॉर एवरी एग्जाम क्या करोगे बताओ तुम है युद्ध खेलोगे हमारे साथ क्या दिक्कत है आपकी आवाज़ इनकी तरह है आपकी आवाज़ उनकी तरह है भाई आवाज़ को छोड़ दो हर कोई ना जाने किसकी किसकी आवाज़ से रिलेट कर चुका है ठीक है अब ना जाने किसकी किसकी आवाज़ तुम लोग रिलेट कर लेते हो ये बताओ टॉपिक समझ आया कि नहीं आया नो डाउट ओके विदाउट यू ट्वेल्व मार्क्स इन सी जी एल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विद यू सिक्सटी मार्क्स इन एम टी एस एन नॉट द इजी वन ओके है ठीक बेटा पिंटू सुधर जाओ तुम्हारी तो हरकतें हम ऑब्जर्व करते हैं ठीक है कल पिंटू जी क्या लिख रहे थे हाँ कि क्लास ऑफ हो गई अब मजा आएगा अब तुम ऐसा एक दो और कमेंट करो सीधे तुमको पिंटू गायब कर देंगे ठीक है पूरे दुनिया फिर तुम अपनी मन की दुनिया में अपना पूरा सब साम्राज्य बनाना ठीक है यहाँ तक सभी क्लियर हो गया लेटिट्यूड के फंक्शंस क्या होते हैं यूज इन क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी को हम बहुत यूज़ में आएंगे अभी हम देखेंगे ना विंड चलेगी विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो यहाँ पे अभी हम वो सब मज़ा आएगा पढ़ने में कि यहाँ पे भाई बहुत गर्मी होती है तो लो प्रेशर होता है यहाँ ठंडी होती है तो हाई प्रेशर होता है हाई से लो चलती है तो सब हमें पढ़ने में मदद आएगी ठीक है जिस वजह से जो सारी चीज़ें वो लिंक्ड हैं आपस में इन साइलोज नहीं है कुछ कोई ठीक uh, okay, हाँ, okay, okay, है टेम्परेचर जो जोस पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉस क्या है रिस्पॉसिबल फॉर प्रेशर सिस्टम ओके हाँ ओके ओके ठीक है रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट प्रेशर सिस्टम के लिए प्लानेटरी विंड सिस्टम पढ़ेंगे लोकेशन पढ़ेंगे इन सब के लिए लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है ओनली रीजन्स ऑन ऑफ द अर्थ ये फ्रिजिट वाले होते हैं जहाँ पे छः महीने दिन और छः महीने रात होती क्यों होती है ये मैं आपको भी बताऊँगा अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है ठीक चलो अब आते हैं लॉन्गिट्यूड जिसको देशांतर बोलते हैं ठीक है ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल थी वर्टिकल थी जो नॉर्थ से साउथ रन कर रही हैं देखो ऐसा लग रहा है नॉर्थ हेमस्फेयर से चालू हो रही साउथ हेमेस्फेयर में जा रही हैं फिर साउथ से चालू हो रही नॉर्थ में जा रही हैं यानी कि एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही हैं ठीक है थीके? इसका मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ ये टॉप व्यू चलो मैं दिखाता हूँ ठीक है ये मान लेते हैं ऊपर से देख रहे हैं नॉर्दर्न नॉर्दर्नेस्कर को ठीक है तो इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं क्या इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं क्या लॉन्गिट्यूड ठीक है इस तरह से हमारे लॉन्गिट्यूड यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे पोल से ही सारे निकल रहे हों और दूसरा वाला जो पोल है वहां पे जाके खत्म हो रहे हैं वहां पे अगर नीचे से देखें नीचे से तो नीचे से किस तरह से भाई देखा है आपको तो मान लेते हैं नीचे से ऐसे देख रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे, ऐसे आके मतलब जैसे ऊपर से होगा टॉप व्यू वैसे नीचे से भी व्यू होगा बिकॉज हैं तो दोनों एक एक ही तरह के पोल्स ना ठीक है और एक ही जगह जैसा में व्यू आएगा तो ये ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही है तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि विच लाइन ज्वाइन नॉर्थ पोल और कनेक्ट नॉर्थ पोल विद दी साउथ पोल तो आंसर वुड बी लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम प्राइम रेडियन वहाँ पर क्या पड़ा था एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर इक्वेटर पर प्रोटेक्टर रखा था यहाँ पे क्या है यहाँ प्राइम मेरेडियन पर प्रोटेक्टर रख रहे हैं वैसे समझ लो ठीक है सर ये प्राइम प्राइमेरेडियन क्या है अब आते हैं उसी चीज़ पे जो यहाँ पे मैं बता रहा था वो भी पीछे प्राइमरेडियन ग्रीन विच मेरेडियन क्या होती है अब यहां पे तो यहां पे तो सिंपल मैंने बोल दिया यही लाइन है ठीक है मैंने सिंपल बोल दिया यही लाइन है जो बीच से पास हो रही है एक मैं लैटीट्यूड की अगर बात करूँ और जब लॉन्गीट्यूड की अगर मैं बात करूँ वही मैं सिंपल आपको बोल रहा हूँ सेव को इमेजिन करो सेव को ठीक है एप्पल को एप्पल को मैंने इधर से काटा सेंटर से अगर ये पास हुआ चाकू तो दो हिस्सों में बटेगा ठीक लेकिन मैंने बोला नहीं यहाँ से नहीं आप वो ऐसे ऐसे कहीं से भी मारो चाकू और वो सेंटर से पास होना चाहिए तो फिर मैं कहीं से भी मार सकता हूं अगर सेंटर से पास हो रहा है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा क्लियर है बात ये ठीक है तो उसी तरह से अभी जो मैंने चीज़ बोली ना एप्पल वाली अभी और भी चीजों में काम आएगी लेकिन एक चीज़ कि यहाँ पर हमारे लिए डिफिकल्ट था किस लाइन को एक रेफरेंस लाइन माने लॉन्गिट्यूड को तो हमने किया क्या उस समय ब्रिटिशर्स का राज होता था हर हाँ जगह पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज़ थी तो यही यही थे तो इन्होंने इन्होंने बोला कि एक मतलब समिट हुई वहीं पे ग्रीनविच नामक जगह जो लंदन में पड़ती है ग्रीनविच लेबोरेटरी है लंदन में तो वहीं से जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा था उसी को ही हमने बोल दिया कि आज से यही इसी को रेफरेंस मानेंगे और इसी को हम जीरो डिग्री मान लेते हैं जो लंडन के ग्रीन विच मेरिडियन लेबोरेटरी से पास हो रही थी लाटीट्यूड उसी को हमने नाम दे दिया जीरो डिग्री और उसी को नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन या फिर इसी को बोल देते हैं ग्रीन विच मेरीडियन डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल टूवर्ड्स इक्वेटर इस पर भी आते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस पोल एंड मैक्सिमम इक्वेटर इसका मतलब क्या है एक सेकेंड वो बताने से पहले कुछ और रखो जरा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ठीक है क्वेश्चन मेरा ये मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ ठीक है काफी डीप है समझ में आया तो देखना ठीक है uh, mm, mm, mm. ऑल लैटिट्यूड्स डिवाइड अर्थ ये स्टेटमेंट वन है ये स्टेटमेंट टू है ऑल लैटिट्यूड्स डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स इंटू टू इक्वल पार्ट्स ऑल लॉन्गीट्यूड्स लॉन्गीट डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स सभी अच्छांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं सभी देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं बताइए आंसर ठीक है फिर मैं लिखता हूं ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल दूसरा स्टेटमेंट है ऑल लॉन्गिट्यूड्स सभी देशांतर आर महान व्रत ग्रेट सर्कल आंसर इसमें से कौन सा सही होगा ये वाला सही होगा पहला वाला सभी लैटिट सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं दूसरा वाला दोनों में सही होगा ठीक है दूसरा वाला दोनों में सही होगा कैसे ऑल लैटिट्यूड डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट गलत है क्योंकि सिर्फ इक्वेटर ही तो है जो अब पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है तो क्या सर सारे लॉन्गिट्यूड अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बिल्कुल वही है जो एप्पल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया यही तो है लैटिट्यूड जो इधर से पास होने इधर से पास होने इधर से पास होने हो बस वो सेंटर से पास होने चाहिए जो कि सेंटर से पास हो रहे हैं चाहे मैं ये लॉन्गिट्यूड ले लूँ चाहे ये लॉन्गिट्यूड ले लूँ चाहे ये लॉन्गिट्यूड चाहे मैं कोई सा भी लॉन्गिट्यूड ले लूँ सारे ही सेंटर से पास हो रहे हैं और इसीलिए सारे ही अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे चाहे मैं चाकू इस प्लेन के अराउंड मारूं चाहे चाकू इस प्लेन के अराउंड मारूं चाहे चाकू इस प्लेन के अराउंड मारूं।, मारूं अगर सेंटर से पास हो रहा है तो दो बराबर भागों में बटेगा यानी ऑल लॉन्गिट्यूड डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट और ये ग्रेट सर्कल का मतलब क्या होता है ग्रेट सर्कल का मतलब होता है जो ग्रेट सर्कल है महान व्रत है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा अर्थ ये तो बहुत बड़ा सर्कल होगा ये छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा ठीक है तो हमारा अगर लैटिट्यूड की अगर बात करें तो एक ही ग्रेट सर्कल है उसके पास वो है इक्वेटर लेकिन लॉन्गीट्यूड की बात करें सारे ही ग्रेट सर्कल है सारे ही सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं सारी पूरी सरकमफ्रेंस को कवर कर रहे हैं लॉन्गीट्यूड भी क्या है सर्कल ही तो है एक तरह से लॉन्गीट्यूड भी क्या है सर्कल ही तो है एक तरह से ये है जैसे तो ये लॉन्गीट्यूड ऐसे है पीछे भी तो ऐसे गया होगा है तो पूरा सर्कल और क्योंकि पूरा सबसे जो लंबा डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है नहीं कि अभी तो ग्रेट सर्कल हुआ चाहे कोई भी लॉन्गिट्यूड ले लो ग्रेट सर्कल होगा लेकिन यहाँ पे इक्वेटर ही है जो सेंटर से पास हो रहा है और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एक ही लैटीट्यूड है जो ग्रेट सर्कल होता है और सारे लॉन्गिट्यूड आपके ग्रेट सर्कल होते हैं आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा जो थोड़ा सा पे ग्रेट से ऊपर का ऊपर का थोड़ा सा ये था ठीक है कॉन्सेप्ट डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल टूवर्ड्स इक्वेटर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकिन अभी तुमको ऐसे ऐसा ना भी भूलोगे नहीं तुमको भी देखो यहां पे क्या है यहां पे इस तरह से हमें अपीयर हो रहा है किस तरह से कि यहां से नॉर्थ पोल से चालू हो रहा है साउथ पोल पे अब एक चीज को ऑब्जर्व करो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस घट रही है 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 जीरो हो गई ठीक है यहाँ पर भी देखो घट रही घट रही घट रही घट रही घट रही और जीरो हो गई यानी कि हर लैटीट्यूड के बीच में तो डिस्टेंस सेम थी लेकिन हर लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस नहीं सेम होती एंड डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स या फिर कुछ भी बोल दो इंक्रीजेज फ्रॉम मूविंग टूवर्ड्स पोल्स टू इक्वेटर ठीक है डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर वेरी लिखना सही नहीं मतलब वेरी तो करती है लेकिन अगर मैं ये लिख दू कि डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड फ्रॉम पोल टूअर्ड इक्वेटर क्या करती है पोल से इक्वेटर में बढ़ रही है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर घट रही है क्लियर हो गया इक्वेटर से पोल्स पे जाने पे डिक्रीज हो रही है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल रही है इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे कितनी है एक किलोमीटर हर लैटीट्यूड के बीच में अच्छांश के बीच में जो दूरी है वो समान है चाहे तुम दो डिग्री तीन डिग्री के बीच में कंपेयर कर लो चाहे अट्ठासी और नवासी डिग्री के बीच में कंपेयर कर लो तुम्हें एक किलोमीटर का ही अंतर मिलेगा लेकिन यहाँ पे एक किलोमीटर का अंतर देखने को मिलेगा लॉन्गीट्यूड और वो भी इक्वेटर पर वैसे तो घट रही है ठीक है हर लॉन्गीट्यूड पर अलग अलग डिस्टेंस होगी टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है 360 कैसे हैं 360 सौ साठ कैसे लॉन्गिट्यूड तो वो देख लेते हैं ये हम हमारा मान लेते हैं टॉप व्यू ठीक है तो इससे हमारे सारे लॉन्गट्यूड गए ऐसे 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 तीन डिग्री में घूमा हुआ है ना तो तीन डिग्री लॉन्गीट्यूड हो गए तब फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो ये है तुम्हारी प्राइम मेरेडियन ये प्राइम मेरेडियन जीरो डिग्री वाली ठीक है तो यहाँ से जब तुम यहाँ पे गए होगे, ठीक है एक्चुअल में एक होती इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है इसको 180 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं ये प्राइम मेरिडियन है इसके जस्ट ऑपोजिट जो होती है उसको 180 डिग्री लाइन बोलते हैं 180 डिग्री और उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं उसको ठीक है तो यहाँ से जब उस उस तक पहुँचोगे तो 180 सौ कवर करोगे यहाँ से यहाँ राइट साइड से निकलोगे तो भी एक कवर करोगे है ना तो एक सौ अस्सी अब तुम बोलोगे इसको जोड़ा नहीं है एक तो हम तुमसे से ये नहीं बोलेंगे तुमने जब यहाँ से गए थे तो एक वाले को जोड़ लिए तो यहाँ से गए तो एक तो एक सौ वाले को फिर जोड़ लिए तो एक दो बार डबल काउंटिंग हो गई तो क्या हो गया तीन ठीक है सिंपल ऐसे याद रख लो कि भाई पूरा कितना एंगल होता ही है तीन तो तीन सौ साठ लोगों होते हैं खत्म बात प्राइम मेरेडियन क्या होता है जो ग्रीन विच मेरेडियंस को बोलते हैं जीरो डिग्री से पास हो रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन एकदम अपोजिट साइड में होती है और एक चीज इसमें याद रख लेना क्योंकि थोड़ा सा डीप है वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊं मैं सी डी वगैरह में पढ़ाता हूं सीए वगैरह के लिए कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन होती है और जिकजैग होती है क्यों जिकज्जैग होती है फिर उसके ईस्ट से वेस्ट जाने में टाइम ऐड करना होता है वेस्ट से ईस्ट में जाने में टाइम क्या करना होता है वो सारी चीजें अभी तक एस ने नहीं पूछी हैं तो वो मैं आपको यहां पे नहीं करवाने वाला हूँ बस इतना है देखिए इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वह प्राइमियन तो आपको सीधी सीधी दिख रही है बिल्कुल सीधी है बट इंटरनेशनल डेट लाइन जिगज है उसके पीछे का रीजन यह है कि इसको क्रॉस करने पर टाइम चेंज हो जाता है टाइम चेंज करना पड़ता है इसी वजह से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसको यहां पर ऐसा कोई देश था कोई छोटे छोटे देश है आईलैंड कंट्रीज है तो मान लेते हैं यहाँ से ऐसे पास हो गया पता चला ले इधर ये मान लो छोटा सा कोई आइलैंड है इसके यहाँ पे लोगों के लिए कुछ और टाइम हो रहा है यहाँ के लोगों के लिए कुछ और टाइम हो रहा है तो बेचारे पगला जाते हैं इसलिए इसको थोड़ा सा जिग जैग लाइन बनाया हम लोगों ने बस ठीक है जिग जैग लाइन होती है ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि वन डिग्री मेरेडियन है अब यहाँ पर देखते हैं ये आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल डेट लाइन है तो ये कुछ ये प्राइम मेडियन है और ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ठीक है ऐसे करके ठीक है इतनी ज्यादा दिख जाएगा ऐसे करके इसमें ज्यादा डीप में नहीं करना बिकॉज बहुत ज्यादा कोई ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं अब यहां पे देख लेते हैं प्राइम रेडियन किन किन देशों से होकर गुजरती है इसकी क्या ट्रिक होती है वो भी यहां पर आप देख लीजिए तो प्राइम रेडियन हमारी गुजरती है आठ देशों से टोटल एट कंट्रीज हैं बीजेपी को कौन वोट देगा क्या चल रहा है भाई यहाँ पे हैं क्या चल रहा है चलो तो यहाँ पे ग्रीन वेच मेरेडियन आठ कंट्री से पास होती है ये आठ कंट्रीज ये हैं इसको याद करने की ट्रिक है एफ गेम इन टोगो किंगडम बी गेम इन टोगो किंगडम तो बी से है आपका बुरकीना फासो एस से है स्पेन एफ से है फ्रांस गेम में जी से घाना ए से अल्जीरिया एम से है माली और टोगो में टोगो से टोगो है और किंगडम से के से यूके है यूनाइटेड किंगडम है तो ये कंट्रीज है जहाँ से प्राइम मेरिडियन आपकी गुजरती है बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड यूज्ड इन टाइम टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गीड का यूज़ करते हैं किसका देशांतरों का तो अभी हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है वो 360 डिग्री घूमती है ठीक है 24 घंटे में 24 फोर आवर्स में 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री है कि नहीं तो मतलब एक तरह से 360 डिग्री 360 सौ को कवर करती है चौबीस घंटे में है ना तो मैं बोलता हूँ एक घंटे में कितने कवर करेगी तो सिंपल आप क्या करेंगे 360 से भाग कर देंगे 360 से डिवाइड कर देंगे 24 का क्या आंसर निकल के आएगा 15 डिग्री यानी एक घंटे में तीन चौबीस घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है सिंपल एक घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट ठीक है 60 मिनट यानी 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का टाइम लगाती है यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक डिग्री में हमारी अर्थ कितनी कितने मिनट मतलब वन डिग्री का मतलब कितने मिनट चल जाती है तो आप क्या कर देंगे सिक्सटी बाई फिफ्टीन कर देंगे ठीक है तो एक डिग्री में चार मिनट हो गए आपके यही आपका कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मतलब मतलब ये है कि ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं ठीक है थीके? वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। हैं मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर आपने क्वेश्चन सुना होगा नहीं सुना तो आप सुन लीजिए कि जो हमारा इंडिया है वो प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है मतलब प्राइम मेरिडियन से हमारे टाइम को कंपेयर करने के लिए पूछता है वो ठीक है तो हम बोलते हैं साढ़े घंटे हमारा इंडिया आगे है बाकी अभी जब हम पढ़ेंगे इंडिया के इंडिया और इट्स उस, उसके लोकेशन के बारे में तो वहाँ पे उसके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में वहीं पे पढ़ेंगे ठीक है अभी के लिए इतना समझिए कि जैसे ही हमारी एक सेकंड रुकिएगा ये हमारी अर्थ है ठीक है ये प्राइमरी रेडियन है, प्राइम है मान लेते हैं ये प्राइमरी रेडियन है जीरो डिग्री ये हमारी अर्थ है जब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में तो हम एक चीज़ को पढ़ेंगे कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है एटी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट ठीक है एट्टी टू एंड हाफ डिग्रीज पड़ेंगे तो फिर अगर ये जीरो डिग्री है तो फिर हम बोलते हैं कि कितना टाइम का अंतर है तो टाइम का अंतर निकालने के लिए हम डिग्रीज का अंतर निकाल लेते हैं अब भाई कितना अंतर है एट्टी टू पॉइंट फाइव और जीरो में क्या डिफरेंस है डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्टी टू पॉइंट फाइव में जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्टी टू पॉइंट फाइव ही आएगा अब अगर मान लेते हैं पंद्रह डिग्री का मतलब एक घंटा होता है तो एट्टी टू पॉइंट फाइव डिग्री का कितना मतलब होगा तो भाई पंद्रह डिग्री का मतलब एक घंटा तो पचहत्तर डिग्री का मतलब कितना हुआ पाँच घंटे ठीक है इतना तो आता होगा बेसिक मैथ्स आपको कि पंद्रह पच पचहत्तर यहाँ पे किया फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी फाइव टाइम्स कर देंगे अब हमें एट्टी टू पॉइंट फाइव डिग्री निकालना है हमने सेवेंटी फाइव डिग्री निकाल लिया यानी अभी भी कितना बाकी है सेवन एंड अ हाफ डिग्री सेवन एंड अ हाफ डिग्री बाकी है मैं बोल रहा हूँ पंद्रह डिग्री मतलब एक घंटा होता है तो साढ़े सात डिग्री का मतलब क्या हुआ आधा घंटा क्योंकि पंद्रह का आधा होता है साढ़े सात तो एक का भी आधा कर दो तीस मिनट यानी कि पचहत्तर डिग्री और साढ़े सात डिग्री को जोड़ देंगे तो साढ़े बयासी डिग्री मिल जाएगा ना तो पाँच घंटे और तीस मिनट यानी साढ़े पाँच घंटा हम आगे हैं पीछे क्यों नहीं बोला क्योंकि हमेशा याद रखना जो रेफरेंस लॉन्गिट्यूड होता है रेफरेंस लॉन्गिट्यूड बिकॉज ए लॉन्गिट्यूड इन देशांतर उसके ईस्ट में चलने में हम टाइम को जोड़ते हैं और वेस्ट में जाने में टाइम को घटाते हैं जैसे कि मैं बोल दूँ जैसे कि मैं बोल दूँ ये ऑस्ट्रेलिया है ठीक है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया को जो मान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड है वो मैं कुछ आपसे मैंने आपको बोल दिया कि वो मान लेते हैं वन थर्टी डिग्री है मुझे पता नहीं है मैं ऐसे ही मतलब गैस मार रहा हूँ कि ठीक है वन थर्टी डिग्री है ठीक है वन थर्टी डिग्री है अब बताओ इंडिया से इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कितना आगे पीछे है तो ये बात तो मैं बोल सकता हूँ कि रेफरेंस मैंने लिया है ऑस्ट्रेलिया का तो भाई हम ऑस्ट्रेलिया से पीछे ही होंगे बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से हम वेस्ट साइड में लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से हम वेस्ट साइड में लाई कर रहे हैं तो इस तरह से आपको करना है कि जब आप वेस्ट साइड मूव करते हो तो टाइम को घटाते हो ईस्ट साइड मूव करते हो टाइम को ऐड करते हो अब करोगे क्या इन दोनों को घटा लोगे जितने डिग्री आएगा उसको कैलकुलेट कर लोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने डिग्री आएगा एट्टी थ्री सेवन नाइन्टी और दस सत्रह और सैतालीस साढ़े सैतालीस आएगा ठीक है साढ़े सैंतालीस है ना? दो ठीक है तो फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री आ गया अब मुझे पता है कि पंद्रह डिग्री का मतलब एक घंटा है ठीक है पंद्रह डिग्री का मतलब एक घंटा तो पैंतालीस डिग्री मतलब इसके मैं करीब पहुँचना चाहूँगा ना होल नंबर्स में तो फिफ्टीन डिग्री का मतलब एक घंटा तो पैंतालीस डिग्री का मतलब तीन घंटे ठीक है तीन घंटे और ढाई डिग्री कुछ और बची गया तो ढाई को अगर मैं मान लूँ कुछ मिनट तो यानी कि तीन घंटे और कुछ मिनट हम लोग पीछे हैं ठीक है ऑस्ट्रेलिया से इतनी चीज़ क्लियर इस पे भी कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पे कोई एन नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स नहीं करवाने वाला हो बेसिक सा क्वेश्चन आएगा तो बेसिक सा क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं और वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हम साढ़े पाँच घंटे आगे हैं अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज सॉलिस्ट इक्विनॉक्स का यानी अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के कॉन्प्ट को देखो दो चीज़ें होती हैं एक होता है डे एंड नाइट दिन और रात की होती हैं दिन और रात होती हैं रोटेशन यानी कि घूर्णन की वजह से दिन और रात होती हैं रोटेशन यानी कि घूर्णन की, की वजह से लेकिन जो सीजन्स होते हैं यानी रितुवें होती हैं वो दो कारणों की वजह से होती हैं एक तो रेवोल्यूशन और दूसरा टिल्ट ऑफ अर्थ जो अर्थ झुकी हुई है सिर्फ नज़र ही नहीं झुकती है अर्थ भी झुकी हुई है अब यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है एक्सप्लेन करने में और मैं पूरी एनर्जी एक ही बार में देना चाहता हूँ अपनी ठीक है मैं अपनी जो एनर्जी होती है वो एक ही बार में दे देता हूँ सारी ताकि मैं जो दोबारा उसकी ज़रूरत ना पड़े तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ठीक क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी फिर आप रोएंगे कि सर समझ नहीं आए यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से सीजन होते हैं क्यों पोल्स पे छः महीने दिन और छः महीने रात होती है किस तरह हमारे सॉलिसटर्स होते हैं देखो हमारी अर्थ टिल्टेड है ठीक ये वाला केस चलो उस वाले केस पे आते हैं राइट साइड वाले पे ठीक है इस वाले केस पे आओ समर सॉलिस्टेज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आओ ठीक है अर्थ टिल्टेड इस तरह से टिल्टेड है कि नहीं है ना दिख रहा है यहाँ पे पहले मैं कमेंट देख लेता हूँ भाई किसी कोई डाउट तो नहीं इससे पहले तक पीछे तक तो आगे बढ़ते हैं सर इज़ क्लास बेस्ड ऑन एन टी सारा कुछ है यार ठीक है इसमें कुछ बचेगा नहीं है ना चलो अब देखो ध्यान से समाज सॉरिस्टिस ठीक है अर्थ झुकी हुई है अर्थ क्योंकि झुकी हुई है ये मान लो कि यहाँ पे मैंने जो एक हमारे यहाँ पे स्कूल में हाँ जी घुसते जीसस क्राइस्ट की एक काफ़ी बड़ी मतलब केस में ऊपर साइड काफ़ी बड़ी जीसस क्राइस्ट की लगी हुई थी जिसमें कि उनको वो किया गया है क्या बोलते हैं उसको क्रूसीफाई किया गया क्रूसीफाई है ना क्रूसीफाई आप शायद समझते हो इतना कि उनको इस तरह का एक था है ना उसमें उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था है ना तो ऐसे ही हमारे स्कूल में ऐसे लगा हुआ था ठीक है वही आप यहाँ पर इमेजिन कर लो कि यहाँ पर किसी एक आदमी को तुमको हमने बांध दिया यहाँ पे तुमको हमने यहाँ पर बांध दिया ठीक है तुम्हारे पैर नीचे तुम्हारा सिर यहां पर अब ये मुझे बताओ ये हमारे सूरज बाबा ठीक अब ये सूरज बाबा कहाँ पे अपनी अभी इसको हम हटा देते हैं नहीं तो तुम्हारा फोकस इनकी स्माइल पे ही रहेगा <laughs> और मेरा भी तो चलो ये सन की जो है रेस कहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा पड़ रही है मुंह में कि पैर में मुंह में कि पैर में मुंह में चमक के पड़ रही है मुंह मतलब जिन लोगों को नहीं समझ आता फेस में है ना कुछ लोग हमारे साउथ इंडिया से भी हैं ना काफ़ी लोग हैं साउथ इंडिया बंगाल तो हो सकता है मुँह समझ में आता हो तो यहाँ पर फेस है फेस पे एकदम चमक की रोशनी पड़ रही होगी एकदम फेस तिल मिला जाएगा तुम्हारा ठीक एकदम एकदम इसकी ऑपोजिट वाली कंडीशन लो अब तुम तुम ऐसे बंधे हुए हो ना तो तुम्हारे पैर ऐसे हो गए ना अब तुम ऐसे बंधे हुए देखो तुम ऐसे बंधे हुए हो तुम्हारा सिर सिर यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हारे पैर हैं अब कहाँ पे चमक के पड़ रही है तुम्हारे पैरों में पड़ रही है यहाँ पे नहीं पड़ रही है ठीक कुछ समझ में आया होगा आपको है ना कुछ समझ में आया होगा यहां पे क्या होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा यहां पे क्या होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा यानी कि मैं बोल सकता हूं ना कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की चमक की रेज पड़ती है एंड चमक के इन दोग्राफी इज नोन एज ओवर हेड रेस और इट इज नोन एज ओवर हेड रेज और ये पड़ती हैं 21 जून को समर summer solstice summer हिंदी में कहते हैं ग्रीष्मकालीन अयनांत ठीक यहां पे यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ओवर हेड रेस पड़ रही है ठीक है यहां पे मैं लिख देता हूं ओवर हेड रेस इन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा पे चमक के पड़ रही है ये कौन सा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड है तो इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस शीतकालीन अयनांत शीतकालीन अयनांत हम इंडियंस कहां हैं नॉर्दर्न एमोस्फेयर में ठीक तो 21 जून को आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत जोर की मतलब मतलब सिर्फ 21 जून को नहीं मतलब जून के टाइम पे काफी गर्मी पड़ती है तो जो भी हमारे कंट्रीज आते हैं नॉर्दर्न एमोस्फेयर में अब यहां पे देख सकते हैं काफी सारे कंट्रीज आते हैं नॉर्दर्न एमोस्फेयर में तो उनके यहां पे ट्वेंटी जून को लॉन्गेस्ट डे होगा लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी सबसे छोटी रात होगी ठीक है तो जो भी आपको करना है वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ठीक है आपको पढ़ाई करनी है तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी तो अब यहां पे विंटर सॉलिस्टिस पे आते हैं तो विंटर सॉलिस्टिस में क्या है विंटर सॉलिस्टिस सर्दर्न हेमोस्फेयर के लिए कंट्रीज के लिए तो गर्मी पड़ रही है हमारे लिए यानी कि जो नॉर्दर्न हेमस्फेयर में कंट्रीज हैं उनके लिए विंटर एट सर्दी का टाइम होता है दिसंबर में तो क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो नॉर्दर्न एमोस्फेयर में इसीलिए हम नॉर्दर्न एमोस्फेयर के पर्सपेक्टिव से बोल देते हैं इक्कीस जून को समर सोलिस्टिस और बाईस दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ही उत्पत्ति उठे कि सर जैसे ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो सदर्न एमोस्फेर में है तो उसके लिए तो 22 दिसंबर समर सॉलिस्टेस हुआ और 21 जून विंटर सॉलिस्टेस हुआ बिल्कुल आप बोल सकते हैं लेकिन एक्चुअल में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से नहीं पूछेगा नॉर्दन हमोसफेयर के लिए सदर्न मेोस्फेर के लिए वो इन जनरल क्योंकि ज्यादातर हमारे देश नॉर्दर्नस्फेयर में बढ़ते हैं तो हम जनरल वही सेंस का यूज करते हैं कि समर सॉलिस्टेस मतलब 21 जून विंटर सॉलिस्टेस मतलब 22 दिसंबर लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछ लू कि विंटर सॉलिस्टेज के टाइम पे सदर्न हेमोस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी बिल्कुल बात सही है क्योंकि हमारे लिए विंटर हॉलिस्टेस मतलब 22 दिसंबर मतलब वहां पे गर्मी पड़ रही होगी सदर नवेसर में ऑस्ट्रेलिया में यानी कि वहां पे सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी इज दैट क्लियर ये चीज़ क्लियर हुई अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि छः महीने दिन और छः महीने रात वाला क्या कॉन्सेप्ट है छः महीने दिन और छ महीने रात वाला क्या कॉन्सेप्ट अब तुम्हें समझ आएगा ये मान लेते हैं नॉर्वे देश है यहीं पर है आपका पोल्स के पास में नॉर्वे फिनलैंड ये सब जितने भी कंट्रीज हैं ठीक है तो ये मान लेते हैं कोई देश है ठीक है यहां पे है ठीक यहां पे है अभी ये यहाँ पे अभी चाहे जितना घूम ले अर्थ ही, रोटेशन कर रही है ना जैसे ये पॉइंट है मैं ए, इस पॉइंट को इमेजिन करता हूँ यहां पे अभी रात हो रखी सब लोग सो रहे हैं आराम से मतलब कुछ लोग कर रहे होंगे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वैसे तो इन जनरल सो रहे होंगे लोग ठीक है रात हो रखी यहाँ पे चौबीस घंटे में घूम जाती ना पृथ्वी तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा सुबह हो गई सुबह हो गई तुम जरा सोचो इस पॉइंट पे जो बंदा है इस पॉइंट पे जो बंदा है इस पॉइंट पे उसके लिए कुछ दिन और रात होगा चाहे जितना घूम ले जितना घूम ले यहां पे तो हमेशा सन की रेस पड़ रही हैं यहाँ तो हमेशा सन की रेस पड़ रही हैं इतना भी बड़ा एरिया नहीं होता तो जितना दिखाया गया है मतलब इतना जैसे पार्ट होता है पोल्स के पास में ये चाहे जितना घूम ले क्योंकि टिल्टेड है ना तो उसमें छः महीने अब देखो छः महीने कैसे दिन है चाहे घूमते रहो घूमते रहो चाहे जितना घूम ले किरणें पड़ती रहेंगी ठीक है और यहाँ पे इस पॉइंट को ले लें बेचारा चाहे जितना घूम ले अंधेरे में ही रहेगा हमेशा जैसे ये पॉइंट अभी उजाले में पीछे चला जाएगा अंधेरे में हो जाएगा ये जितना घूम ले जितना घूम ले वहीं घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहे कितना घूमेगा घूम के वो आगे थोड़ी ना आ जाएगा अब ये पॉइंट भैया तो मुझे ये बताओ ये पॉइंट जो है ये पॉइंट घूम के कहाँ यहाँ थोड़ी ना आ जाएगा जब घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा यानी अंधेरे में रहेगा यानी ये पॉइंट अं� यानी नॉर्थ पोल इस टाइम पे छे महीने दिन यहाँ पे यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी रोशनी पड़ रही है यहाँ पे अब जाके यानी छह महीने इसने स्पाइन काट लिया दिन वाला नॉर्थ पोल ने अब आई है साउथ पोल की बारी अब यहाँ पे छ महीने देखो दिन रहेगा और यहाँ छ महीने रात रहेगी देख रहे हो यहाँ पे रात ही है भी रात ही है भी अब यहाँ जाके दिन होगा तो समझ गए छ महीने दिन और छ महीने रात क्यों होता है ध्रुव पे क्यों होता है पोल्स पर क्यों नॉर्वे को लैंड ऑफ मिड सन बोलते हैं ना हो तो गूगल पे सर्च करिएगा वहां पर रात में भी एकदम रात तो कुछ होता ही नहीं वहाँ पे एकदम हमेशा क्या होता है उजैला रहता है ऐसे ही हमारा फिनलैंड हेलसिन हेल में हॉकी हमारी टीम गई थी खेलने मतलब पगला गए थे उनको लगा कि मतलब ये लोग आएंगे तो मतलब गोल्ड हमारी हॉकी टीम गोल्ड पे गोल्ड पे गोल्ड पे गोल्ड जीते जा रही थी इनको लगा अब ये लोग पगला जाएंगे यहाँ पे आके क्योंकि यहाँ का तो अजीब ही सिस्टम है यहाँ पे रात ही नहीं होती है वहाँ पे भी गोल्ड जीता है हम लोग ठीक है खैर ये बताइए कि यहाँ तक समझ आया कि नहीं आपका है यहाँ तक ये बताइए पहले ठीक है यहां तक आपको समझ में आया होगा अब वो जो चीज याद करो पेरीलियन और एपी वाली होता क्या है तीन जनवरी को हमने बोला था ना पेरीलियन सबसे पास होता है लेकिन होता क्या ना जनवरी के टाइम पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहां पे है जनवरी के टाइम पे ओवर हेड रेज सन की नहीं पड़ती भाई गर्मी सर्दी पड़ती है ओवर हेड रेज सन की पड़ रही कि नहीं पड़ रही हैं जैसे अभी सर्दी आने वाली तो हम धीरे धीरे इस वाले फेज में जाने वाले हैं तो अर्थ नजदीक तो आ जाएगी उसके ठीक है और हमें ज्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगा लेकिन जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो ऑस्ट्रेलिया वालों को मिलेगी हमको नहीं उतनी ठीक है बिल्कुल 1928 में हमारी हॉकी टीम ने पहला गोल्ड जीता था और पहला वर्ल्ड कप 1975 में जीता था आ गया ओके okay, क्लियर क्लियर okay. ओके लेफ्ट को क्यों टिल्टेड मतलब देखो अब यहां पे तो राइट को टिल्टेड है ना मतलब इस तरह से बोल सकते ना ये लेफ्ट और राइट क्या होता है मतलब यहां पे इस तरह से टिल्टेड है जब इस तरह से घूमती 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 पोजीशन पे आएगी तो कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन हो जाएगा ठीक है ये ये होते हैं हाँ, हैं हैं आपके का सॉरी कहलाते और ये दो पॉइंट ऐसे आते हैं जब जब हमारी जो अर्थ है या फिर जो सन है उसकी जो ओवर एड्रेस है वो इक्वेटर पे पड़ रही है अभी इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे किसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे नहीं अब क्योंकि इक्वेटर पे पड़ रही है इस वजह से ये दो ऐसे डेट्स होती हैं जब पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात होता है यानी इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है कुछ सॉलिस्टिस जैसी कंडीशन नहीं होती उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स क्या बोलते हैं इसको आ, हिंदी में आई थिंक विशु बोलते हैं हाँ विशु बोलते हैं ठीक है विशव इसको ऐनात बोलते हैं सोलिटिस को इसको, इसको विशु बोलते हैं ये ऑटोमनल और ऑटोमनल या फिर इसको हाँ ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं तेईस सेप्टेम्बर को होता है ये ट्वेंटी थर्ड को और ये होता है वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है 21 मार्च को ठीक है यानी कि ये दो ऐसी डेट हैं जहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट पूरी पृथ्वी पे देखने को मिलता है तो सीजन्स रोड एवोल्यूशन और टिल्ट दोनों की वजह से होते हैं अब सोचो अगर अर्थ का टिल्ट ना हो अर्थ ऐसी होगी अर्थ ऐसी होगी यानी कि हमेशा उसकी जो रेज है वो इक्वेटर पर ही पड़ती रहेंगी ओवर एड रेस समान दिन और समान रात पूरे साल रहेगा पूरी पृथ्वी पर कुछ चेंज ऑफ सीजन्स ही नहीं होगा अभी क्या है अभी इस वाले कंडीशन पे हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है अभी विंटर आने लगेगी धीरे धीरे सर्दी आने लगेंगे सीजन चेंज हो रहा है ना लेकिन अगर अर्थ टिल्टेड ना हो तो इक्वेटर पे ही ओवर ड्रेस पड़ती आएंगी और सोचो अगर मान लेते हैं ठीक है टिल्ट है लेकिन रेवोल्यूशन नहीं कर रही है अगर रेवोल्यूशन नहीं कर रही है मान लेते हैं इसी पोजीशन में घर घर गिर से घूमे जा रही रोटेशन कर रही है तो यहाँ के जो नॉर्दर्न हेमेस्फेयर के देश है यहाँ पर तो गर्मी पड़ेगी और यहाँ छः महीने दिन रहेगा यहाँ हमेशा छः महीने रात रहेगी और सदर्न हेमोस्फेयर में हमेशा सर्दी रहेगी अगर रेवोल्यूशन नहीं करेगी सन के अराउंड तो क्लियर आगे बढ़ते हैं जी सोलिस इक्विनॉक्स पूरा देख लो और समर सोलिटेज जब मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल या फिर ओवर हेड रेस पड़ रही हैं और विंटर सोलिस्टिज पे ट्रॉपिक ऑफ कैपरिका नीचे हमे पढ़ रही हैं नॉर्दन हमे फिरगेट मोर हीट यानी ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा वॉट इज इंसोलेशन इन कमिंग सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन बोलते हैं सदन एम एस्ट हमे मोर हीट कॉन्टिन्यूस सन रेज फॉर नॉर्थ पोल छः महीने और दिन रहेगा ठीक है और साउथ पोल पर छः महीने दिन और छः महीने रात नॉर्थ पोल पे भी सेम वही ठीक है इसको कर्क संक्रांति और इसको मकर संक्रांति बोलते हैं ठीक है इक्विनॉक्स मैंने को बता दिया इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ रही है ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैफ्रिकॉन पे समान दिन और समान रात होता है पूरी पृथ्वी पर दो डेट होती है ये एक वर्नल वाली होती है इक्कीस मार्च को जिसको कि स्प्रिंग बोलते हैं ठीक है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है तेईस सितंबर को ठीक क्लियर है यहाँ तक पेरीहीलियन अपीलियन समझ गया सभी लोग ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं अब आते हैं इक्लिप्स पे ठीक इक्लिप्स अभी पढ़ लिया जाए ये क्वेश्चन कर लिए जाए बताइए इक्लिप्स भी कर ही लेते हैं क्या हो गया हाँ जी सब करवा दोगे सर आज ही करवा दोगे मतलब क्या हुँ? कल क्लास नहीं हुई थी ना थोड़ा सा पुश कर लेते हैं भूख लग रही है अब अच्छा दर होगा आपू से करवाई दो सर ओके 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 चलो आ, बेसिक सा है देखो होता क्या है ना कि जब हमारा एक तो होता है सोलर इक्लिप्स और एक होता है ल्यूनर इक्लिप्स अभी कब होता है देखो होता क्या जब जब हमारा जो सन है वो अपनी पोजिशन पर हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है जो हमारा सन होता है जो हमारा सूरज होता है वो अपनी पोजीशन पे हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है यानी अपनी पोजीशन पे ही हमेशा वहीं का वहीं रहता है ठीक है अब होता क्या है जो हमारी अर्थ है अर्थ आपको पता है सन के अराउंड घूम रही है और मून जो है हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है ठीक है तो अगर एक पोजिशन ऐसी आ जाए कि जो हमारा मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए और एक ऐसा पोजिशन जब जो हमारी अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाए मून को मैं छोटा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज मून छोटा है इसलिए ठीक है जो पहला वाला आप कंडीशन देख रहे हैं इसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण इसको नाम दिया जाता है और इसको बोला जाता है ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण इसको नाम दिया जाता है ठीक है चंद्र ग्रहण बोलते हैं इसको याद कैसे रखना है सन इंटरफेयर नहीं कर रहा है सूरज इंटरफेयर नहीं कर रहा है दोनों के बीच में इंटरफेयर कौन कर रहा है मून और अर्थ ठीक है मून अगर बीच में है ठीक है आ रहा है तो उसको सोलर इक्प्स बोलेंगे और अगर आ, अर्थ आ रही है तो उसको लूनर इक्लिप्स बोलेंगे अब इन दोनों में कैसे क्या चीज़ें होती हैं उसको समझिए तो यहाँ पर ये कौन सा कंडीशन है ये आपका सोलर इक्िप्स वाला कंडीशन है अब ध्यान से समझिए सोलर इक्प्स होता कैसे है तो जब क्योंकि हमारे मून जो है इस तरह से अर्थ काउंड घूम रहा है और अर्थ सन काउंड घूम रहा है तो जब ये तीनों एक पोजीशन पे इस तरह आ जाते हैं कि जो हमारा मून है एक तो यार काफ़ी जोर की बारिश स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज हो सकता है आ रहा हो ठीक है चलो कोई नहीं तो यहाँ पे होता क्या है कि मून आ गया है ठीक है बीच में बिटवीन दी सन एंड अर्थ क्लियर है यहाँ पे ये हमारा सन है और ये अर्थ है तो यार काफ़ी नॉइज आ रहा है रुकना है थोड़ा सा है ना थोड़ा सा टाइम दीजिए होप अभी वॉइस आ रही होगी ठीक है चलो तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सन जो है अपनी यहाँ पे लाइट फेंक के मार रहा है तो उसको ये मून ब्लॉक कर रहा है मून ब्लॉक तो कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आ, ये तो लूनर वाला है चलो कोई नहीं तो यहाँ पे होगा क्या देखो यहाँ पे होगा ये कि अमावस्या होगी यहाँ पे अमावस्या की रात होगी कैसे होगी वो समझो यहाँ पे होगी आपका एक तरह से इसको हम बोलते हैं न्यू मून सोलर इक्लिप्स को हम प्यार से बुलाते हैं न्यू मून और यहां पे होगी आपकी अमावस्या वाली कंडीशन अमावस्या मतलब अमावस्या की काली रात होती है चांद जो है वो दिखता नहीं है कि चांद गया तो गया कहाँ है ना चांद गया तो गया कहां चांद दिखता नहीं क्यों नहीं दिखता है वो समझो आपको ये मैंने बताया था कि चांद का कहा एक ही साइड विजिबल होता है क्यों विजिबल होता है जरा कॉमेंट बताइए क्यों ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल दूसरे साइड साइड को हम साउथ पोल बोलते हैं देखो यहाँ पे जब मून बीच में आ गया तो सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ रही होंगी कहाँ पे यहाँ पे पड़ रही होंगी ठीक है लेकिन यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ तो रही है ये वाला साइड तो इल्यूमिनेट हो गया लेकिन जो हमें दिख रहा है हम तो यहाँ पे है ना हम तो यहाँ पे हैं तो हमें कहाँ से दिख जाएगा चांद क्योंकि तो जो सन की रोशनी पड़ रही है अब जैसे नॉर्मल कंडीशन पर हमें क्यों दिखता चांद ऐसे मान लो चांद यहाँ पे है तो सन की सन अपने रेज यहाँ मार रहा है और ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें वो नज़र आ रहा है यही होता है ना कि वो रिफ़्लेक्ट करता है बिकॉज जो मून होता है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है ख़ुद की लाइट नहीं होती उसकी ठीक है हमें तो क्यों दिखता है मून क्यों वो चमकीला दिखता है क्योंकि वो सन की लाइट को एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है अब उसकी लाइट यहाँ पर पड़ रही है यहाँ पे तो हमेशा काला रहेगा तो इसी वजह से यहाँ पे अमावस्या की रात होती है सोलर इक्लिप्स के केस में और क्या होता है ये आपने देख लिया ठीक है ये तीन तरह का होता है सोलर इक्लिप्स की अगर बात करें एक टोटल पार्शियल और अनिलर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा 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 यानी कि अभी पूरी तरह से ढका नहीं है चंद्रमा ने चंद्रमा ने ये चंद्रमा ने मून ने सन की लाइट को पूरी तरह नहीं ढका है अभी आधा तौर पे ढका है तो इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स ठीक है पार्शियल सोलर इक्लिप्स जब इस तरह से यानी कि हमें साइड में ऐसे विजिबल होता है सन ठीक है एक रिंग के तरह इसको बोलते हैं एन्युलर एन्युलर सोलर इक्लिप्स ठीक है एनुलर सोलर इक्लिप्स और ये कहलाता है आपका टोटल ठीक है टोटल सोलर इक्लिप्स तो ये क्वेश्चन आया था सीजन 2022 में कि किसके टाइप होते हैं तो इस सोलर इक्लिप्स के टाइप होते हैं आ, ऐसे पूछा था पार्शियल इक्लिप्स एनेलर इक्लिप्स और टोटल आ, टोटल इक्लिप्स तो सोलर इक्लिप्स के टाइप होते हैं ठीक है कैसे होता समझ गए अब यहाँ पे आते हैं लूनर इक्लिप्स पे लूनर में क्या है अर्थ बीच में आ रही है सन और मून के इसको हम बोलते हैं फुल मून कंडीशन फुल मून और इसमें हमें देखने को मिलती है पूर्णिमा पूर्णिमा मतलब पूरा चांद देखने को मिलता है पूरा चांद क्यों देखने को मिलता है कैसे देखने को मिलता है वो समझिए होता क्या है कि ये जो हमारी अर्थ है बीच में आ जाती है सन और मून के सन तो अपनी पोजीशन पे भाई फिक्स रहता है वो मूव नहीं करता है अब होता ये है कि सन लाइट अपनी मार रहा है अर्थ पे ठीक है तो अर्थ क्या करेगा अर्थ इसको ब्लॉक करेगा लाइट को लाइट को ब्लॉक तो करेगा बट इससे रिफ्रैक्शन होगा लाइट का ठीक है लाइट रिफ्रैक्ट करेगी अभी हम लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है लेकिन अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो भी हमारा वेबग्योर होता है जो वाइट लाइट होती है सन की उसमें डिफरेंट सेवन कलर्स ऑफ लाइट होती हैं और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है रेड की होती है, की होती है सबसे कम उसका स्कैटरिंग होता है सबसे कम प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा किसका होता है सबसे ज्यादा होता है ब्लू का तो ब्लू आपकी फैल जाएगी एक दिवानिश हो जाएगी जो मून तक पहुँचेगी लाइट वो रेड कलर की लाइट होगी किस तरह की लाइट होगी रेड कलर की लाइट होगी यानी कि इसी वजह से जब आपका इस तरह से पूरा यानी कि फुल ल्यूनर इक्लिप्स होता है तो हमें रेडिश कलर का चांद दिखता है जिसको कि हम बोलते हैं रेड मून तो अगर आप पूछ पूछ ले कि रेड मून किसका टाइप होता है तो रेड मून होता है ये ल्यूनर इक्लिप्स का टाइप ऐसे ही आपका होता है एक ब्लू मून अब ब्लू मून का मतलब ये नहीं हो कि हमारा चांद नीला हो जाता है ना क्योंकि अभी मैंने बताइए रेड मून क्यों हुआ क्योंकि सन की जो लाइट है उसमें सेवन डिफरेंट कलर्स हैं रेड वाली जो होती है उसका सबसे कम स्कैटरिंग होता है तो वही सिर्फ मून तक पहुंच पाती है उसकी वजह से ये मून हमें इल्यूमिनेटेड दिखता है पूरा चांद दिखता है पूरा का डजन मीन कि पूरा दिखने लगता है आपको पता है कि हमारे एक साइड ऑफ जो चांद होता है वो विजिबल नहीं होता है पूरा का मतलब होता है जो इतना मैक्सिमम हमें दिख सकता है ठीक है फुल मून तो इसको बोलते हैं रेड मून ठीक है और एक ऐसी कंडीशन जब आपका लूनर इक्लिप्स भी हो रखा है यानी फुल मून हो रखा है प्लस पेरी वाली कंडीशन है पेरी समझ में आया अभी जब हमारे मून अर्थ के सबसे पास में है सबसे नजदीक में है तो उस केस में वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा अपीयर होने लगता है और इसको बोलते हैं हम लोग सुपर मून वाली कंडीशन क्या बोलते हैं सुपर मून वाली कंडीशन क्लियर है अब ये ब्लू मून का मतलब ये नहीं होता है अगर आपसे पूछ ले ब्लू मून क्या होता है ठीक है ब्लू मून तो ब्लू मून का मतलब ये नहीं है रेड मून की तरह कि वो रेड अपियर हो रहा है रेड मून में तो रेड अपियर हो रहा है बट ब्लू में ब्लू अपेयर नहीं होता है ब्लू मून का मतलब होता है कि दो फुल मून हो ब्लू मून ये बिल्कुल मतलब नहीं तभी पे क्रॉस लगा हुआ है ब्लू मून का मतलब होता है जब हमें दो फुल मून दिख जाए एक ही महीने में टू फुल मून इन इन अ मंथ तब उसको बोल देते हैं कि ये ब्लू मून हो गया नीला जैसे नहीं बोलते हैं कि जैसे चांद ईद का चांद हो गए मतलब बहुत ही रेयर दिखते हो फिर अगर बहुत ज्यादा मतलब दो बार दिख गया तो उसको ब्लू मून बोल दिया वैसे टाइप समझ सकते हो ठीक है तो टू फुल मून इन अ मंथ इज कॉल्ड एज ब्लू मून सुपर मून इज थोड़ा सा बड़ा और रेड मून इज आपका जब रेड अपीयर हो तो रेड मून सुपर मून और ब्लू मून आर दी टाइप्स ऑफ वॉट ल्यूनर इक्लिप्स और आपका टोटल इक्लिप्स और अनिलर और पार्शल ही है किसके टाइप आपके सोलर इक्लिप्स के टाइप है सोलर इक्लिप्स में क्या होता है मून बीच में आ जाता है और ल्यूनर में क्या होता है अर्थ बीच में आ जाती है आपकी ये चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब पढ़ लेते हैं ये अम्बरा और पेनम्ब्रा क्या होती है वॉट इज योर अम्बरा एंड पेनम्ब्रा तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी जैसे कि जब किसी भी चीज़ की छाव पड़ती है किसी भी चीज़ की परछाई पड़ती है तो दो परछाई होती हैं आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ एक तो जो सेंट्रल पार्ट होता है डार्क परछाई होती है और किनारे किनारे में एक परछाई पड़ती है उसको बोलते हैं लाइटर शेडो तो ऐसे ही जब हमारा मून मतलब जब हमारा इक्लिप्स होता है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स दोनों केस में तो ये वाला जो शेडो शाड़, होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लूनर इक्लिप्स ले लेते हैं लूनर इक्लिप्स में क्या होता है अर्थ बीच में आता है सन और मून के ठीक है तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा ये कम्प्लीट शेडो डार्क शेडो नॉट कम्प्लीट डार्क शेडो डार्क शेडो वाला एरिया होगा यानी यहाँ जा पे जब या, चांद यहाँ पे होगा तो एकदम लाल अपियर होगा ठीक है एकदम लाल अपियर होगा यहाँ पे लेकिन जब धीरे धीरे यहाँ पे आएगा तो अभी भी आपका ये इक्लिप्स चल रहा है लेकिन ये अब लाइटर शेडो वाले एरिया में लाइटर शेडो वाले एरिया में यानी थोड़ा थोड़ा अब हमें इल्यूमिनेटेड दिखेगा थोड़ा थोड़ा और इल्यूमिनेटेड दिखेगा हमें और चमकीला दिखेगा क्योंकि अभी ये डार्क शेडो वाले एरिया में था तो कम इल्यूमिनेटेड दिख रहा था अब और जैसे मूव करेगा बियॉन्ड तो ये इसमें आएगा और इसको जो हम डार्क शेडो होता है जो डार्क शेडो होता है जो डार्क शेडो होता है उसको हम अम्बरा बोलते हैं ठीक है अम्बरा बोलते हैं और जो लाइट शेडो होता है लाइट शेडो ठीक है उसको हम पेनम्बरा बोलते हैं क्या बोलते हैं पेनम्बरा वैसे ही सेम यहाँ पे भी ये आपका अमरा हो गया और ये पेनम्बरा ठीक है दिस यू वुड बी योर अम्बरा ठीक है और दिस वुड बी योर पेनम्बरा यहाँ का पे ख़त्म होता है इक्लिप्स तो याद रखना सोलर में कौन बीच में आता है लूनर में कौन बीच में आता है सोलर के टाइप पार्शल एनुलर और टोटल अमावस्या में वो देखने को अमावस्या बोलते हैं उसको लूनर को पूर्णिमा बोलते हैं फुल मून होता है ब्लड मून सुपर मून ब्लू मून इसके टाइप होते हैं और यूजुअली अगर बात करें सोलर इक्लिप्स की तो सोलर इक्लिप्स हमें मैक्सिमम मतलब दो से पाँच मैं तो मिनिमम दो और मैक्सिमम पाँच एक साल में दो से पाँच इनकी फ्रीक्वेंसी होती है यानी मिनिमम दो या फिर मैक्सिमम पाँच देखने को मिलेंगे लूनर की अगर बात करें यूजुअली ये दो होते हैं बहुत ही रेयर होता है कि इससे ज़्यादा देखने को मिले तो सोलर इक्लिप्स दो से पाँच और नॉ न्यूलियर इक्लिप्स यूजली दो देखने को मिलते हैं ठीक है वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं तो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी जो भी हम लोगों ने आज टॉपिक्स कवर किए हैं उस पर बेस्ड ठीक है चलिए तो ये रहे आपका पहला क्वेश्चन वॉट कॉजिस डे एंड नाइट दिन व रात क्यों होते हैं बताइए रेवोल्यूशन रोटेशन ऑर्बिट ऑफ अर्थ या फिर अदर साइड विजबल क्यों नहीं होता सब अच्छा आप पीछे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो क्या वन साइड इसलिए नहीं होता बिकॉज रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम उसका सेम होता है इसलिए ठीक है चलो जो हमारा मून होता है ट्वेंटी सेवन डेज आंसर क्या होगा रोटेशन होगा रेवोल्यूशन और टिल्ट के जैसे क्या होता है सीजन्स होते हैं द फोर्स ड्यू ड्यूटी द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एस पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न वाले बल होने को क्या कहा जाता है कैनेटिक कोरियोलिस प्रेशर प्रेवलेंस या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इसको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स और ये कहाँ से आ गया तो जब हम आगे पढ़ेंगे हमारी विंड क्यों डिफ्लेक्ट होती है ओशन करंट तब वहाँ पे पढ़ेंगे एक फोर्स आता है कॉरियोलिस फोर्स जिसको बोलते हैं जो अर्थ के घूर्णन की वजह से बनता है रोटेशन की और अर्थ की वजह से कॉरियोलिस फोर्स जनरेट होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ द सोलर इक्लिप्स निम्नलिखित में से कौन सूर्य ग्रहण की घटना को सबसे अच्छी व्याख्या करता है पोजीशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ पोजिशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन अव मून बोथ ए एन बी ए फिर नैन ऑफ दीज ठीक है या तो इसको यहां पर कर लो ऑन अ फुल मून ठीक है ऑन अ फुल मून कर लो ठीक है तब यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोजिशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन अव मून इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स ठीक है फोर्थ वट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस फ्रॉम दरपेंडिकुलर पृथ्वी के अक्ष का लंबवत से झुकाव कितना कितने कोड का कितने डिग्री का है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री फर्टी फाइव सिक्सटी एंड हाफ या फिर नाइन्टी uh, डिग्री तो अर्थ का जो टिल्ड एक्सिस का दैट इज ट्वेंटी थ्री एंड अफ डिग्री क्वेश्चन नंबर फाइव वन दी अर्थ इज क्लोजेस्ट टू दी सन इट इज नोन एज जब uh, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसको क्या कहते हैं सबसे पास में है अर्थ जो है सन के सबसे पास में है जी तो होगा नहीं चंदा मामा के लिए जी लगाते हैं पेरी हिलियन पी से पेरी हिलियन पी से पास में है वॉट इज ऑर्बिटल प्लेन ऑर्बिटल प्लेन क्या है कक्षीय तल क्या है ऑर्बिटल प्लेन ऑर्बिट का मतलब क्या होता है ऑर्बिट का मतलब होता है पाथ रास्ता प्लेन फॉर्म बाय द एक्सिस प्लेन फॉर्म बाई द ऑर्बिट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑर्बिट के द्वारा जो प्लेन बनाया जाए तो उसको ऑर्बिटल प्लेन बोलेंगे सिंपल जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सूर्य के चारों और पृथ्वी की गति को क्या बोलते हैं भाई रोटेशन जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है और सन uh, के अराउंड घूम रहा उसको है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं ठीक करिए सवाल को सीपीओ 2022 ओ से पूछा गया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट आफ्टर द फुल मून डे आफ्टर द फुल मून डे फुल मून याद करिए लूनर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स दन लिट पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे जो सनलाइट सन लिट पार्ट है वो घटता जाता है घटता जाता है ठीक है द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम अर्थ इनक्रीजेज इन साइज एवरी डे आफ्टर द न्यू मून डे न्यू मून डे मतलब सोलर इक्लिप्स अब याद करो आप सोलर इक्लिप्स मैंने आपको क्या बताया था सोलर इक्लिप्स में क्या हो रहा था मून इधर आ रहा था सन इधर था और अर्थ इधर था ठीक है यही था तो हो ये रहा था कि ये वाले पार्ट में लाइट पड़ रही थी बाकी जो हमें दिखता है सन अर्थ का पार्ट उसमें आ, मून का पार्ट उसमें नहीं लाइट पड़ रही थी लाइट नहीं पड़ रही थी तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था कहाँ गया भाई कहाँ गया चंद्रमा दिख ही नहीं रहा हमें तो अमावस्या की रात हो गई है तो चंद्रकांता जी आ जाएंगे अभी तो ठीक है लेकिन जब धीरे धीरे ये पॉइंट चीज़ हटना चालू होगी यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे होना चालू होगा और एक चीज़ ध्यान रखना सोलर इक्लिप्स में जो टाइम लगता है मतलब जो टाइम तक रहता है सोलर इक्लिप्स वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू लूनर इक्लिप्स वो कम होता है एज कंपेयर टू लूनर इक्लिप्स तो ऑब्वियस बात है जब आपका न्यू मून न्यू मून का मतलब क्या आ, का मतलब क्या हो गया सोलर इक्लिप्स ठीक है तो द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेस इन साइज एवरीडे आफ्टर न्यू मून तो न्यू मून के बाद में धीरे 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 साइज बढ़ने लगता है चंद्रमा का और हमें चंद्रमा दिखने लगता है ये बात बिल्कुल सही है और इसके केस में घटने लगता है तो ये भी बात बिल्कुल सही हैूनर इक्लिप्स लूनर एवरी नाइट द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ दून टू बिकम एंड थिनर पंद्रवें दिन विजिबल ही नहीं है मून ठीक है मतलब कि ये बोल रहा है कि लूनर इक्लिप्स के बाद क्या हो रहा है कि जो ब्राइट पार्ट है मून का वो थिन और थिन हो रहा है। नहीं। और कम और कम और कम और पंद्रवें दिन दिखता ही नहीं मून दिख ही नहीं रहा है मतलब अमावस्या की रात अमावस्या मतलब न्यू मून डे खत्म ठीक है अमावस्या न्यू मून विजिबल तभी तो नहीं होता है टेंथ वॉट डज स्प्रिंग इक्विनॉक्स अगर वेन डज नॉट वॉट डज वेन डज कब होता है ना कि क्या कब होता है ठीक है कब होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स तो दो तरह के इक्विनॉक्स पढ़े थे विषय पढ़े थे एक तो स्प्रिंग जिसको वर्नल इक्विनॉक्स ही बोलते हैं और दूसरा ऑटमनल तो वर्नल और स्प्रिंग कब होता है ये होता है इक्कीस मार्च को और तेईस सितंबर को होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स ठीक है आगे बढ़ते हैं 11th हाउ मेनी आर्स इज वन सोलर डे एक सौर दिवस कितने घंटे का होता है तो वन सोलर डे आपका चौबीस घंटे का ही होता है ठीक है Uh, ये क्वेश्चन कर चुके हैं प्लानी साइंटिस्ट कॉल मून एज दी हजार बीस में ये हम कर चुके हैं तो लेयर है, uh, तो है सब है ना ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लूनर एक्सोस्फियर पहले ही कर चुके हैं इसको सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में ठीक है क्लियर है यहां तक सभी को चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं द अप्रोक्सिमेट पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून इज डैश डेज लगातार दो नए चंद्रमों के बीच में अनुमति कितनी अवधि होती है साढ़े पंद्रह साढ़े अट्ठाईस साढ़े उन्तीस या फिर पंद्रह इस ये होता है आपका साढ़े उनतीस ठीक है और इसी को बोलते हैं एक ल्यूनार डे ठीक है ल्यूनार डे सोलर डे तो चौबीस घंटे चौबीस का मतलब होता है और ये ल्यूनार मंथ बोलते हैं इसको ल्यूनार मंथ ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव डेज का होता है ये ठीक है क्लियर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा सही सी ऑप्शन सही आंसर होगा सर ये करवा दीजिए हाँ कल चालू करेंगे जो अर्थ का इंटीरियर है और प्लेट टेक्टोनिक्स कल देखेंगे ठीक है और सारे कॉन्सेप्ट जो चीज़ें आपस में लिंक हैं जैसे आज वाला जो है कल से लिंक नहीं है मतलब जो आ, हम लोगों ने रोटेशन रेवोल्यूशन इन सब में पढ़ी एक्सिस और टेल्ट वो सब आपस में लिंक थी अब कल आपका एक तरह से अलग चीज़ चालू हो रही पे के के है जहाँ पर अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है उससे काफी क्वेश्चन आते हैं क्रस्ट मेंटल कोर इन सबसे इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर को होल अर्थ एक्सपीरियंस इज इक्वल डे एंड नाइट दिस इज बिकॉज इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर को पूरी पृथ्वी पर समान देना रात होती है क्यों क्यों होती है बिकॉज इक्वेटर पे ओवर रेस पड़ रही है वर्टिकल रेस पड़ रही है सन की डायरेक्ट रेस फॉल ऑन द इक्वेटर एंड पोजिशन नन ऑफ द पोल्स इज टिलड टुअर द इक्वेटर कोई भी पोल जो है सन की तरफ टिल्टेड नहीं है इक्वेटर पे ही डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज तो जो हमारे सीजन का चेंज होता है मौसमी मौसमों का चेंज होता है वो क्यों होता है बताइए जी एस की वीडियोज हाइड क्यों कर दी हैं फन विद एजुकेशन ये बैच की वीडियोज़ हैं और परमार अकेडमी ऐप पिन की रिकॉर्डिंग नोट्स और क्विजे मिलेंगी आपको ठीक है परमार जी के बैच के अंदर ओ hmm, सियाल सीमा नीफे कल आएंगे सभी है चेंज इन सीजन होता है रेवोल्यूशन और टिल्ट के जैसे से कहाँ है आपका रेवोल्यूशन टिल्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस एक्सिस रोटेशन ऑफ दिस टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पे रेवोल्यूशन होगा यार ठीक है जी एक्सीज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ओके दफ अर्थ इज रोटेटेड ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा मतलब दो चीज़ें होती हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ टिल्टेड है ठीक है टुवर्ड द प्लेन ऑफ ऑर्बिट और रेवोल्यूशन दोनों फैक्टर आपके आ जाएंगे ठीक uh, है एक्सिस टिल्टेड और रेवोल्यूशन दोनों डायरेक्शन दिया हुआ यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई दी सेलेक्टिंग द करेक्ट सीजन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो अभी यार देखा हम लोग अपने सीजन क्या अगर करते हैं रेवोल्यूशन और इंक्लिनेशन खत्म सेवनटीन इफ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इज नॉट इंक्लाइन ऑर्बिट देन अगर एक प्लेन अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे भी कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी कर लेंगे ठीक है सर वाई डोंट यू गो टू के बी सी ऐसा वही घर वाले भी बोलते हैं लेकिन के बी सी कब आता है पता ही नहीं चलता है कब आता है इसका मतलब जो जो सेलेक्ट इलेक्ट वाला होता है अभी तो आई थिंक शायद ये सर्दियों के टाइम पे तो चालू होता है खेल हेल कुछ है ना बाकी वो कब होता है मतलब जब अप्लाई करना होता है किसी के लिए इसके ए बी सी के लिए तो इफ़ दे नॉट इंक्लाइन टूअर्ड्स देन अगर मान लो कि इंक्लाइन ना होती तो क्या होता अगर ये ना होता तो सीजन्स में चेंज ही ना होता अभी मैंने बताया था ना अगर हमारी अर्थ टिल्टेड ही ना होती तो सीजन्स चेंज ही ना होते आपके ठीक चलो एटीन विच ऑर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नाश्ता पी डी एफ हिंदी इंग्लिश सेपरेट प्लीज मतलब सब में दिक्कत है है ना अलग अलग दे दें दे, तो एक क्यों नहीं दे रहे हो एक दे दिया साथ में तो अलग अलग क्यों नहीं दे रहे हो दिक्कत क्या है अलाग? मतलब उसमें सेम है क्या दिक्कत है काट रही है क्या और अगर प्रिंट आउट निकलवाने जा रहे हो तो उसे बोल दो कि यहीं तक का निकलाओ है निकालो बजा द तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन दी 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 कंटेक्ट ऑफ नदर निवर्सिटीज़ करेक्ट वर्नल इक्विनॉक्स इक्कीस मार्च को होता है सही है समर सॉलिस्टेज बाईस दिसंबर को नहीं बाईस दिसंबर को विंटर सॉलिस्टेजेस होता है और इक्विनॉक्स इक्विनक्स तेईस सितंबर को सही है विंटर सॉलिस्टर बाईस दिसंबर को होता है गलत है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खत्म अब बाकी क्वेश्चन है आप करेंगे ठीक है तीन क्वेश्चन है अब आते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड पे पहला क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एम टी में सवाल पूछा गया है सर हमारे यहाँ पे दादागिरी होता है आप आ सकते हैं <laughs> क्या हो मतलब थोड़ा क्लास लंबा हो गया तो दिमागी हालत खराब हो क्या कुछ लोग <laughs> क्यासर होगा इसका तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पूछ रहा है ना तो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री सदर नमस्फेयर कहाँगे ऑप्शन नंबर सी ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है ये क्या है एंटार्कटिक सर्कल है एंटार्क्टिक है ये क्या है आर्कटिक है ठीक है ट्वेंटी थर्ड गंगा ये अभी नहीं करेंगे इसको जब मैं आपका इंडिया वाला पोर्शन करवा दूंगा तभी भी करेंगे कहाँ लाइन करता है बिकॉज गंगा ब्रह्मपुत्र है सब कुछ हमने पढ़ा नहीं है ठीक है अभी विच लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज दी स्टैंडर्ड मैरेडियन अब लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है बहुत तगड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मेरेडियन कौन सा इंडिया का ये भी अभी नहीं पढ़ा है, वैसे तो एटी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट है मैंने बताया भी था लेक्चर में नहीं पता कोई दिक्कत नहीं हम लोग पढ़ेंगे ठीक है कितने स्टेट से पास होता है सारी चीज़ें चलो तो so 90 डिग्री ईस्ट मेरेडियन डज नॉट पास थ्रू तो 90 डिग्री अभी अभी नहीं पढ़ना है बिकॉज अभी हमने इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा है इंडिया इज लोकेटेड टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया किसके नॉर्थ में लोकेटेड है बताइए जरा भारत किसके उत्तर में स्थित है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन इक्वेटर या फिर प्राइमेडियन आज रिजल्ट देखकर सबका दिमाग हिल गया बिल्कुल वो मुझे भी समझ आ रहा है कि काफ़ी लोगों का दिमाग हिला हुआ है और तकरीबन चार पाँच सौ लोगों का दिमाग हिला हुआ है लेकिन क्योंकि यूजली ढाई हजार लोग रहते थे क्लास में आज जो है थोड़े से कम हो गए हैं गम है कोई नहीं गम को बुलाइए ठीक है अच्छे तरह से लेकिन फिर से लग जाइए है ना रिबाउंड करके बिकॉज वो सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं ठीक है मैं आज लूंगा लाइफ पॉसिबल अगर हो पाया तो नहीं तो फिर कल इंडिया लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर नहीं इक्वेटर होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर आप ए कुछ लोग दे रहे हैं ए दे रहे हैं है ना ए के क्यों दे रहे हैं आप इक्वेटर तो इंडिया के बीचों बीच से पास होती है नॉर्थ में कहाँ है ये इक्वेटर है इक्वेटर के नॉर्थ में हुआ ना इतना तो और बेसिक सेंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही सबको पता है कि बीच और बीच से ठीक है अभी नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी बीच से पास होती है आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों बोले मुझे पता है कि ये यहाँ से पास होती है तो नॉर्थ में कैसे हो गया नॉर्थ में तो इक्वेटर के है ना हुमद रेखा के एक डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स तो एक डिग्री लैटिट्यूड का मतलब होता है एक सौ ग्यारह किलोमीटर सिंपल ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फास्ट फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजिशन कॉल्ड एज एपी हीन सबसे दूर कब होती है सबसे दूर कब होती है एपी हीलियन पी से पास P, और पास होती है तीन जनवरी को और सबसे दूर होती है चार जुलाई को ऑप्शन नंबर फोर्थ लाइन्स ज्वाइनिंग लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर आठ स्टेट्स होते होके जाती है बिल्कुल एट स्टेट्स से होके जाती है जब हम लोग इंडियन जॉकफी स्टार्ट करेंगे वहाँ देखेंगे लाइन्स ज्वाइनिंग लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर क्या कहलाएंगी आइसो हैलाइन तो है आइसो हैलाइन तो है वो लाइन होती है जो हेलाइन का मतलब होता है एल्कलिनिटी या फिर सॉल्टीनेस तो समुद्र में वो पॉइंट जहाँ पे एल्कलिनिटी समान होती है वो लाइन को बोलते हैं आइसो हैलाइन लाइन ठीक है यहाँ पे सही आंसर आइसो क्रोन होगा आइसो बार होता है सेम प्रेशर वाला ठीक है सेम <backwards> जहाँ प्रेशर आ रखा होता है उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो उस लाइन को आइसो बार बोलते हैं आइसो ब्रंट होता है जहाँ पे थंडर स्टॉम सेम टाइम पे आया होता है थंडर स्टॉम उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो आइसो ब्रंट लाइन कहलाती है ठीक है चलिए थर्टी एथ अ पैरल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स इज नोन एज इक्वेटर से पोल्स तक जो पैरल सर्कल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं ऐसे इक्वेटर से पोल्स तक जो पैरल सर्कल होते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं पैरल ऑफ लैटिट्यूड ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना ऐसे ये है ये इक्वेटर ठीक है इक्वेटर से ऐसे पोल्स तक पैरल्स को पैरल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं थर्टी वन लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आई थिंक या फिर यही लास्ट है आई थिंक एक लास्ट और है वेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे और नाइट पूरी पृथ्वी पर दिन और वर रात बराबर कब होते हैं तो आपको पता है ये होते हैं इक्विनॉक्स पे इक्विनॉक्स होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को नेम द स्टेट कैपिटल लोकेटेड ये भी नहीं करना है बिकॉज हमने नहीं पढ़ा ये सारे क्वेश्चन याद दिलाइएगा हम लोग तब करेंगे ठीक है ये भी अभी, अभी नहीं करना है द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास ये भी नहीं करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टाइमॉन्ड टू द लैटिट्यूड ऑफ टू द लॉन्गीट्यूड डिग्री ईस्ट अभी नहीं चलिए तो यहाँ पे हमारे होते हैं क्वेश्चंस ख़त्म बाकी जो के जो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं वो आपके पोजीशन बेस्ड हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उनको तब करेंगे जब हम इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे राइट धन्यवाद सभी को मिलते हैं कल एट 11:30 थर्टी आज थोड़ी क्लास पहले रखी आधे घंटे बिकॉज थोड़ी सी आज क्लास लंबी होनी थी पंद्रह बीस मिनट इसलिए जल्दी रखी नहीं तो कुछ लोग भूख भूख चिल्लाने लगते हैं फिर है ना नहीं उसका क्विज़ का पीडीएफ नहीं मिल सकता उन क्विज़ को मैं एक आ, मतलब एक लिंक क्रिएट कर दूंगा कॉमन तो उन क्विजेज का डे वन में कौन कौन सी क्विज हुती थी डे टू में कौन सी थी डे थ्री उनको समराइज़ करके मैं डलवा दूंगा आपके टेलीग्राम पे ठीक है तो वो पॉसिबल हो जाएगा ऑलराइट right, मिलते हैं कल धन्यवाद कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा अर्थ के इंटीरियर और प्लेट एक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ने वाले वेरी इंपॉर्टेंट नहीं तो फिर आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आने वाली हैं ठीक है थैंक यू और कल ही मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे थैंक यू हेमिसफेयर नहीं पढ़ा है सर आप हेमिसफेयर नहीं पढ़ा है मतलब हेमिसफेयर में क्या नहीं पढ़ा है वो आई थिंक जो मैंने छोड़ा तो उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ एक सेकेंड रुका इसकी बात कर रहे हो क्या हुँ? अब इसमें क्या देखना है पढ़ तो लिया सब सब तो पढ़ लिया इसमें हेमिसफेयर ऊपर वाला नॉदनस्फेयर और नीचे वाला सदर ठीक है